रोज रात कहते हैं कि आज बड़ा आनंद रहा, आज बड़ा आनंद रहा, या आज की रात आनंद में बीती। लेकिन 33 साल में पहली बार ऐसा हो रहा है कि वास्तव में रात आनंद में बीतने वाली है। मैं आप सबका आभारी हूं, इस समिति का, वाइब्रेंट चरोत्तर के सभी सदस्यों का, आप सबका। हमारी प्रथम नागरिक भी बैठी हैं और अधिशाषी प्रमुख एग्जीक्यूटिव फर्स्ट भी बैठे हुए हैं, उनका भी बहुत आभारी हूं कि आप सब यहां आए हैं। हम हिंदी माँ के बेटे हैं और संत नरसी की भाषा गुजराती हमारी बड़ी मौसी है। आज ये माँ के बेटे मौसी के बच्चों से मिलने के लिए आए हैं, इसलिए लगता है कि ज़्यादा प्रेम बरसेगा। गुजरात अपने आप में एक दिव्य जगह है और विशेष रूप से आज इसलिए भी थोड़ा अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ आने पर कि भारत की दो बड़ी विचारधाराओं और दो बड़ी धाराओं के जनक यहाँ पैदा हुए। इस देश की आत्मा का निर्माण पूज्य बापू ने किया। ये बात अलग है कि आजकल व्हाट्सएप विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त करने वाले कुछ बच्चे बापू के विषय में भी अनर्गल कहते हैं। पिताजी 15,000 रुपये का मोबाइल दिला देते हैं ओपो, लड़का सुबह ही सुबह शुरू हो जाता है पोपो, और बापू को गाली देता है। जिसकी औकात अपने बापू के सामने बोलने की नहीं है, वो अंग्रेजों के सामने खड़े होने वाले बापू को गाली दे देता है। बड़ा आश्चर्य है। अगर भारत की आत्मा का निर्माण बापू ने किया तो टुकड़ों टुकड़ों में बिखरी हुई इस मातृभूमि को 1,000 वर्ष बाद बिना किसी रक्तपात के, बिना किसी विरोध के, दो बाहों में मिलाकर इस भारत माता के स्वरूप को पूर्ण कर देने वाले सरदार पटेल को आपने जन्म दिया। ये सरदार साहब की जन्मभूमि है जहां हम आए हैं। सरदार साहब यहीं पैदा हुए और भारत की मातृ संस्था है। या माओं की अपनी सीमा है बच्चों को दूध पिलाकर बड़ा करने की। जहां माओं की सीमाएं चूक जाती हैं या किसी विशेष व्यवस्था में बंधकर विवश हो जाती हैं, वहां अमूल्य की दुग्ध धारा बहने लगती है और भारत के बच्चे आकार पाते हैं। सबसे पहली दुग्ध क्रांति करने वाले डॉक्टर कुरियन वर्गीज जैसे महनीय ऋषि को भी मैं प्रणाम करता हूं। आज अच्छा लग रहा है कि एक ऐसे परिसर में मैं हजारों लोगों के सामने यहाँ खड़ा हुआ हूँ और मैं अपने मित्रों से आपका परिचय कराता हूँ जो देश के बहुत महनीय नाम इस मंच पर बैठे हैं। ठीक इस कोने में वीरभूमि बुंदेलखंड से, जहाँ के आला ऊदल प्रसिद्ध हैं, जहाँ के महाराज छत्रसाल ने अपनी वीरता की नई गाथा गढ़ी, उसी छतरपुर से वीर रस के एक बहुत अद्भुत कवि अभिराम पाठक यहां पर आए। एक बार जोरदार तालियों से आप उनका स्वागत करें। अभिराम को आप जब सुनेंगे तो आपकी नसों में जो दूध है वो और अधिक गाढ़ा होकर, और अधिक गर्म होकर देश के दुश्मनों के खिलाफ हुंकार भरने के लिए विवश हो जाएगा। माया नगरी मुंबई से दिनेश बावरा आए हैं, आपने कई बार टीवी पर देखा होगा, कई बार लाफ्टर चैनल में भी कई बार आए हैं, कई चैनलों पर आते हैं, कई बार आधी रात डिस्कवरी पे भी आते हैं। हाँ, वहां भी चूहे बिल्ली का खेल दिखाया जाता है। ये जो कवि बैठे हैं रमेश मुस्कान जी, ये आगरा से आए हैं। हर कवि को जीवन में एक आध बार आगरा जाना पड़ता है। हम लोग लौट आए हैं, ये वहीं रहते हैं, तो समझ लीजिए कितने बड़े कवि हैं। जब वो पढ़ेंगे तो आपको उनकी हरकतों से भी पता चलेगा कि वो वहां परमानेंट क्यों रहते हैं। हम लोग मुस्कान फैलाते हैं, उन्होंने अपने नाम के साथ ही चिपका रखी है। देश के एक बहुत लोकप्रिय कवि और पिछले 2.5 दशक से हिंदी कवि सम्मेलनों में बड़ा रस बरसाने वाले, ठहाकों का हिमालय खड़े करने वाले, चंबल के किनारे से कोटा के पास एक जिला है बारां, उस बारां से हिंदी कवि सम्मेलनों के बड़े लोकप्रिय कवि हास्य व्यंग के भाई श्री सुरेंद्र यादवेंद्र यहाँ पर हैं। आप उनका भी एक बार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। इस मंच की एकमात्र कवियत्री श्वेता सिंह मूलतः गोरखपुर की हैं,
लेकिन पिछले कुछ वर्षों से विवाह के बाद आपके बहुत निकट बड़ोदरा में रहती हैं। मुझे आशा थी कि ज्यादा ताली बजेंगे, क्योंकि आप जिन लोगों को यूपी भेजते हैं उनका हम ज्यादा स्वागत करते हैं। ये एक बार बनारस गई थी, मुझे याद है, दैनिक जागरण का प्रोग्राम था, 15-20 हजार आदमी थे, तो उसने एक आध मुक्तक सुनाई तो थोड़ा ताली कम आई, तो उसने बनारस के लोगों से कहा कि मैं गुजरात से आई हूँ, मेरा ज़्यादा स्वागत करिए। तो मैंने कहा बनारस वालों ने उसे इसलिए नहीं चुना कि गुजरात से आया है, इसलिए चुना कि हरकतें भी वैसी थी जैसी बनारस वालों की हैं। तो ये गुजरात में आ गई है, इसलिए दोनों का इसमें संयोग है। ये हमारे आज के कवि हैं। मेरा नाम कुमार विश्वास है। आपकी आंखों में थोड़ी शर्म और हाथों में शक्ति शेष हो तो एक बार मेरे लिए भी ताली बजा सकते हैं आप। स्वरों व्यंजनों शब्दों वाक्यों सर्ग प्रबंधों की निर्मात्री माँ वागीश्वरी का स्तवन करते हैं और उसकी कृपा की कामना करते हैं कि आज रात एक ऐसी रस वर्षा हो। मुझे पता नहीं कि आनंद में पहले कवि सम्मेलन हुए या नहीं हुए हैं, होते रहे होंगे, मैं तो पहली बार ही आया हूँ। मैं 30 वर्ष से अधिक समय से मंच पर हूँ, अगर मैं पहली बार आया हूँ तो समझ लीजिए कि फिर क्या स्थिति रहेगी, मतलब आगे कब आना होगा इसी गति से रहा तो जो भी है वो आज की रात आप आनंद लीजिए, क्योंकि ये मुलाकात फिर नहीं होगी, ये मुलाकात फिर नहीं होगी, आज सी बात फिर नहीं होगी, ऐसे बादल तो फिर भी आएंगे, ऐसी बरसात फिर नहीं होगी। तो मानसून से पहले कवियों का मानसून आपके द्वार पर है। इनमें सबसे अच्छे श्रोता मुझे आते ही दिख गए, वो जो पीछे फंसे हुए हैं वो असली वाले हैं, जो पीछे खड़े हुए पीछे ताली बजा रहे हैं, क्योंकि ये जो आगे बैठे हैं ये बुलाए गए हैं, वो आए हैं जो पीछे बैठे हैं, यही अंतर है, वो है असल। हाँ, ये जितने सोफे पर पसरे हुए हैं ये शहर के बड़े वाले हैं, और किसी को जब मिल जाता है तो वो पसर जाता है कि अपने को क्या ताली बजानी, वो बजा लेगा पीछे वाला। लेकिन आगे बैठे हुए नगर के बड़े वाले लोगों, आपसे निवेदन है कि कई काम खुद करने पड़ते हैं, मैं बंबई गया था एक इंटरप्रेन्योर मीट में, वहाँ हजार दो हजार करोड़ के टर्नओवर के लोग आए हुए थे, उस सामने एक 25-26 साल का लड़का बैठा था, बोले जी इनका 3000 करोड़ का टर्नओवर है, स्टार्टअप बनाया था 3 साल पहले। मैंने कहा बहुत अच्छा है, मैंने इतनी मेहनत की, इतनी बातें सुनाई, वो हंसे नहीं। मैंने कहा भाई साहब आप हंस वस नहीं रहे कैसे, बोले नहीं आई एम एन एंटरप्रेन्योर, मैंने लोग रखे हुए हैं। फिर ताली नहीं बजाया, मैंने कहा आप ताली नहीं बजा रहे, आपको कविता पसंद नहीं आई क्या, बोले नहीं आई एम एन एंटरप्रेन्योर, मैंने लोग रखे हुए हैं। अभी पिछले दिनों पता चला कि उनकी शादी हुई है, तो कुछ काम खुद करने पड़ते हैं, लोग रखने से नहीं चलता। तो मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग इतने सफल नहीं होंगे कि हर काम के लिए लोग रख रखे होंगे, जो ऐसे सफल ना हो वो एक बार दोनों हाथ आकाश में उठा के जोरदार तालियां बजा के आज के कार्यक्रम का प्रारंभ कर सकते हैं। कि मुस्कुराती जिंदगानी चाहिए, शब्द की जागृत कहानी चाहिए, सारी दुनिया अपनी हो जाती है बस एक उसकी मेहरबानी चाहिए। मैं मंगल मनाता हूं इस देश का, मैं मंगल मनाता हूं गुजरात का, और देश इस समय चुनौतियों से जूझ रहा है। मैं पहले कवि को आमंत्रित कर रहा हूं, आपसे पहली बार मुलाकात हो रही है, इसलिए कवि सम्मेलनों के आपको 2-3 कायदे समझा दूं जिससे आप भी फायदे में रहेंगे और हम भी फायदे में रहेंगे। एक कवि की मृत्यु 2 जगह पर हो जाती है, एक तो समझदार श्रोता उसकी अच्छी बात पर चुप लगा जाए, ताली ना बजाए, और दूसरी वो जब बेवकूफ श्रोता बिना समझे ताली पीट दे। तो आपको थोड़ा इस संतुलन का याद रखना है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए नया अनुभव हो, तो आप क्या देखना कि आप इधर की तरफ देखना कि ये बजा रहे हैं तो आप भी बजाना, और ये कई साल के ट्रेंड लोग हैं, ये कई बार रात को नींद में बजा देते हैं, कई बार सुरेंद्र यादव जी के साथ हुआ है, इन्होंने रात में नींद में कह दिया कि बार के क्या पढ़ा है क्या कहा है, तो भाभी जी ने जगाया कि ना तूने पढ़ा है ना कहा है, तू तो यूं ही पढ़ा है। तब इन्हें पता चला कि कार्यक्रम में नहीं हूं, कई बार आदत पड़ जाती है आदमी को। तो मैं पहले कवि को बुला रहा हूं,
वो मुंबई से आए हैं, मूलतः उत्तर प्रदेश के हैं लेकिन जन्म से मुंबई में रहते हैं और बहुत ही अद्भुत कवि हैं, हास्य व्यंग के कवि हैं, आपको आनंदित करेंगे उनकी बातों में, आपको रस आएगा। देखिए, पागल हो जाना, बावला हो जाना भी अपने आप में एक बड़ा हुनर है। केवल मीरा पागल होती है, या कोई भगत सिंह पागल होता है, या कोई कबीर पागल होता है। आप अपनी लौ में पागल हो जाएं तो फिर आप राजसी ठाट भोगते हैं अपनी आत्मा का, यानी कि आप दिनेश बन जाते हैं। तो ऐसा दिनेश जो अपने आनंद में बावरा हो गया है, मैं उसे आमंत्रित करता हूं पहले कवि के रूप में। दिनेश बावरा को झूम के सुन लीजिए, बाकी सब तो रस बरस ही जाएगा। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए दिनेश बावरा। हेलो, मैं अरे बाप रे, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब का, इतना सम्मान देकर के मुझे आमंत्रित किया। कुमार साहब को छोड़ करके हम हमारे हिस्से में पटेल जी नहीं आए, उन्हीं को ही मूर्ति दी गई बड़ी वाली, तो हम तो घर पे क्या बताएंगे कि हम कहाँ गए थे। नमन भाई ब्रो, कि नहीं कोई तनाव लेना नहीं, ईको बिल्कुल मत करना भैया। हाँ, शार्प है ना बस माइक। हाँ, मतलब माइक आपका इतना अच्छा है कि इसमें अगर राहुल गांधी भी भाषण करें तो नरेंद्र मोदी जैसी आवाज आए। बस हमारा कहने का तरीका ऐसा वाला रहेगा, व्यवस्था बहुत अच्छी है। ये सर को, सर का जो माइक है, ओ भैया माइक वाले भैया, सर का भी माइक चालू करिए। हाँ, वही प्रमुख हैं, हम ऑर्केस्ट्रा वाले हैं, गाएंगे वही, कोई टेंशन लेना नहीं। लेकिन डॉक्टर साहब, हमने कभी अपने दादी के किस्से कहानियों में सुना था कि एक राजा होता था, एक राजकुमार होता था, जो अपने भाषा से, अपने व्यक्तित्व से दिल जीत लेता था। हमने सुना था, अगर देखा तो कुमार विश्वास जी के रूप में देखा, और आज यहाँ पर उनके संगत में बनना बन रहा है। देखिए, गुजरात में आए तो मैं ये जानता था कि आज वो धोती पहन के आएंगे, क्योंकि सर्वाधिक कथा वाचक गुजरात ने दिए हैं, राम को गाने वाले गुजरात ने दिए हैं। और राम जहाँ पैदा हुए वो उत्तर प्रदेश है, वो उत्तर प्रदेश से आते हैं, जो वहाँ से आता है गुजरात उसको गाता है। इसके लिए इससे बड़ी उपलब्धि आज की रात हमारी क्या होगी। नहीं, ताली वाली मत बजाओ, मैं बहुत ठीक ठाक आदमी हूँ। भारतीय आदमी की आदत होती है कि वो सत्यनारायण भगवान की कथा दसवीं बार भी सुन रहा हो, तब भी जब तक पंडित ना कहे कि अध्याय समाप्त हुआ, तब तक वो अच्छत फूल नहीं छोड़ता, क्योंकि ठीक से सुनी नहीं रहा होता है। तो मुझे पूरा भरोसा है कि आप मुझे ठीक से नहीं सुनोगे तो मैं आपको बता दिया करूँगा कि अध्याय कहाँ समाप्त हुआ। वहीं ताली ठोकना मेरी भी इज्जत रह जाएगी कि आपकी भी इज्जत रह जाएगी। और अतिरिक्त मेरा परिश्रम कम हो तो भी मुझे दाद ज्यादा देना। हाँ, क्योंकि मेरे गांव से कुछ लोग मुझे सुनने आए हैं, इस चक्कर में ये करता क्या है। हाँ, रंजीता मैडम बैठी हुई हैं, मानस परिवार के लोग आए हैं, हमारे गांव के लोग हैं, तो मेरी गांव में इज्जत बन जाए इसके लिए मेरी इज्जत करना। पहली टिप्पणी देखना, आपको आनंद आ जाएगा। पत्नी कितना भी काजू बादाम खाए, पिस्ता आदमी ही है। अध्याय समाप्त हुआ। बस बस यही वाला मामला रखना आप। अच्छा है, कोई तनाव पालना ही नहीं, आप लोग काफी अच्छे। हम राजनीतिक टिप्पणी करेंगे भी नहीं, क्योंकि सर हैं यहाँ पर, सर ज्यादा करेंगे, रमेश मुस्कान जी, अभिराम जी, तमाम लोग बैठे हुए हैं, आप इनको सुनिएगा। बहुत अच्छी व्यवस्था में, देखिए आप व्यापारी लोग हैं, कभी आप सब्जी मंडी जाए, फल मंडी जाए, तो फल वाला जब अपना टोकरा सजाना शुरू करता है तो सजाते 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 सबसे ऊपर वो फल रखता है जो सबसे ताजा और सुंदर होता है। उस एक फल की आड़ में नीचे के जितने सड़े गले होते हैं। हाँ, तो आज कुमार विश्वास जी ने जो फल का टोकरा सजाया, सबसे ऊपर मुझे रखा है। व्यापारी आदमी हूं, लेकिन अगली टिप्पणी पर मैं तालियां मांगता हूं कि अगर ये सारे फल न होते तो ये फल कभी भी ऊपर नहीं पहुंच पाता साहब। इनके कहीं न कहीं त्याग तपस्या ने मुझे ऊपर पहुंचाया है, इसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूं। बहुत अच्छा लगा, मेरी बहन बैठी हुई है, हमारे अग्रज गुरुदेव बैठे हुए हैं,
बहुत अच्छा लगता है, मुझे गुजरात आकर के बहुत अच्छा लगता है। हार्दिक बधाई। अब तो ले ही लो, आ ही गया अपने पास यार। आपने दो शख्स ऐसे दिए हैं कि वो कोई माई का लाल हो, कुछ ही दिन वो कहीं और रह सकता है। अब देखिए, डॉक्टर साहब मुझे बहुत प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं अगर वो जिसको प्रेम करें वो आम आदमी हो ही नहीं सकता, वो खास ही होगा और खास के ही शहर में होगा। मैं आपको क्या बताऊं, इन पे कविता के मंच पर हूं और मैं कविता सुनाना भी चाहता हूं, आप अगर सुनेंगे। माताएं बहनें बैठी हुई हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, आपको तो समझ में आती ही होगी हिंदी, हिंदी गुजराती बहुत ज्यादा। देखिए एक टिप्पणी करता हूं, ये मूलतः मेरी ही है जो वो करते हैं। हाँ हाँ, सुनिएगा अच्छा लगेगा। ये गुजरात जब गरबा खेलता है ना साहब, तो पूरी धरती को दुल्हन बना देता है, और जब पतंग उड़ाता है तो पूरे आकाश को दूल्हा बना देता है। आप उस राज्य के रहने वाले हैं, आप बधाई के पात्र हैं, क्योंकि यह कविता का रंग जब हरिवंश राय बच्चन की कलम में उतरा। भैया आप एलईडी पे देख रहे हैं, ठीक है वो, ठीक है एलईडी पे आप देख रहे हैं, इनडायरेक्ट देख रहे हैं, लेकिन तालियां डायरेक्ट भेजा करो। हाँ, कि वो सही बता रहे हैं ना, बल्कि एलईडी तो बंद ही कर दो तो ज्यादा बेहतर है, थोड़ा इधर को मुड़ जाएगा। अच्छा, हम कौन से ऐश्वर्य राय हैं कि आप वहां देख के ठुक कर लोगे भाई साहब। हम आदमी हैं, हमको सुनने के काम में लीजिए, देखने के काम मत लीजिए। अब तो आपको बात अच्छी लगे तो तालियां बजाना, क्योंकि कविता का रंग है जब हरिवंश राय बच्चन की कलम में उतरा, तो उन्होंने लिखा, रंग बरसे भीगे चुनर वाली ये रंग आस्था की चौखट पर आया, तो मीरा ने गाया, श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, ऐसी रंग दे कि रंग ना ही छूटे रामा, धोबिया धोए चाहे सारी उमरिया, ये रंग फिल्मी पर्दे पर आया, तो सुनील दत्त साहब ने गाया कि रंग और नूर की बारात किसे पेश करूं, ये मुरादों की हंसी रात किसे पेश करूं, ये रंग शायरी में आया, तो शायर ने लिखा, इसी रंग रंग में रंग है तुझे रंग रंग में रंग दिया, मेरा रंग आया है रंग पर तेरा रंग चढ़ के उतर गया। ये रंग कविता में आया तो कवि ने लिखा, इस रंग बदलती दुनिया में मैं रंग बेचता हूं, और एक एक हाथ उठे ये रंग जब 18 साल के नौजवान के सर चढ़ करके बोला, तो गली गली में भगत सिंह ने गाया, मेरा रंग दे बसंती चोला माए, तो ये कविता का रंग है साहब। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये कविता का रंग हम आपके ऊपर रंग करके जाना चाहते हैं, आज आपके शहर में आए हैं पहली बार, तो आपको ये ऐसा देखिए कुछ है, हमारा हिंदुस्तान हिंदुस्तान है। एक अंग्रेज आया, बोले क्या तुम्हारा हिंदुस्तान, तो हम तुलसी माता के पौधे के पास ले गए, हमने कहा ये हमारी अम्मा है, उसने उखाड़ करके पत्ते पत्ते अलग कर दिए, बोले ये तुम्हारी अम्मा। अब मेरे अंदर का हिंदुस्तान जगा, हम उसको एक फुजली के पेड़ के पास ले गए, हमने कहा पिताजी से मिलो, उसने पिताजी को उखाड़ा, पिताजी ने ऐसा कार्यक्रम दिखाया, उसके बाद से ही सारे अंग्रेज लाल पैदा होने लगे, पहले काले पैदा हुआ करते थे, अध्याय समाप्त हुआ। बहुत अच्छा है। क्या है जीवन, जीजिए आप बड़े लोग हैं, बढ़िया से एंजॉय करिए, हंसी बहुत बड़ी चीज है जो आज हम आपके पास बांटने आए। राजनीति पर कोई व्यंग करता नहीं मैं, लेकिन अब क्या करूं, एक बात आ गई कि राहुल गांधी जी ने पंजाबियों को फोन किया और पूछा वोट किसको दिया बे, तो पंजाबियों ने कहा आपको। अब राहुल जी टेंशन में कि जो वोट हमको मिला तो हम हारे क्यों, बस इतनी सी बात है भाई साहब, बस इतना वाला आप समझ लेंगे तो आपका मजा। देखिए यहाँ जो सामने बैठे हैं लोग, पीछे बैठे हैं, आप भी गांव जीते होंगे। हम 5 साल के थे तो हमारे पिताजी हमें स्कूल में जमा कराने ले गए। हाँ, पहले जमा ही होते थे, अपने मन से कौन जाता था, अब तो कॉन्वेंट कल्चर है ना, एक फादर घर में एक स्कूल में, दो फादरों के बीच में ट्यूशन अलग से, फिर रिजल्ट के नाम पर कुछ भी नहीं। तो ऐसे मास्टर साहब बैठे हुए, ऐसे हम खड़े, ऐसे मेरे पिताजी खड़े, तो मास्टर साहब ने पिताजी से पूछा किसका लड़का है। तो मेरे पिताजी भावुक हो गए, उसने कहा मास्टर साहब आपका ही है। अब मैं टेंशन में कि जिसको मैं 5 साल से बाप समझ रहा हूं वो तो अपना है नहीं यार। तो मैंने अपने पिताजी से पूछा जब आप मेरे पिताजी नहीं है तो मेरे घर में क्या कर रहे हो, तो पिताजी ने कहा बेटा ये संस्कार बस कहना पड़ता है, हम संस्कार समझ गए, रजिस्टर में नाम लिखना शुरू किया। मास्टर ने मुझसे पूछा ये किसके पिताजी हैं, हमने कहा सर आपके ही हैं।
जब हम आपके बेटा हो सकते हैं तो ये भी तो आपके बाप हो ही सकते हैं, इसमें क्या अंतर है? लेकिन साहब क्या पढ़ाई उस जमाने में होती थी? एक इंस्पेक्टर साहब जांच करने आए हमारे उत्तर प्रदेश में, जांच खचाखच बच्चे देखे, हैरान, क्योंकि हमारे यहां बच्चे होते नहीं उत्तर प्रदेश में, सीधे बाप। हाँ, एक बच्चे को खड़ा किया, बोले बताओ तुमने आप तुम्हारे प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन? बच्चे ने कहा रामलाल यादव। इंस्पेक्टर ने बोला ये कौन है बे? बच्चे ने कहा मेरे पिताजी का नाम है, 5 साल से घर नहीं आए तो मुझे लगा यही होंगे। हाँ सही बता रहे हैं, आपको टेंशन में आ गया। बोले तुम्हारे प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम नहीं मालूम? बच्चे ने कहा ज्यादा बड़बड़ मत करो मास्टर साहब, असली बात यह है कि हम असली स्टूडेंट है ही नहीं, हम तो भेड़ बकरी चरा रहे थे, मास्टर जी बोले क्लासरूम में बैठ जाओ, शाम को 10-10 रुपया मिलेगा। अब ये बताओ तुम दोगे कि कोई और देगा? वो पागल हो गया, उसने मास्टर को डांटना शुरू, क्या करते हो बच्चे असली नहीं है? मास्टर ने कहा देखो साहब असली तो हम खुद ही नहीं है, असली मेरे पिताजी हैं, मुकदमा लड़ने गए, उन्होंने बोला जा संभाल दे, संभालने के चक्कर में हम पहली बार आए हैं। अब तो पागल होकर के हेडमास्टर कैबिन के में पहुंचा इंस्पेक्टर और बोला किस बात की सरकार तनख्वाह देती है आपको, बच्चे असली नहीं, मास्टर असली नहीं। तो हेडमास्टर ने की गड्डी निकाली, इंस्पेक्टर के हाथ पे रखी और बोला देखो साहब असली तो मैं भी नहीं हूं, असली मेरा बड़ा भाई है, वो खेत में काम कर रहा है, उसने कहा कि इंस्पेक्टर आएगा, उसके हाथ में 10,000 की कड़कड़ाती नोट रखना, बिना कुछ बोले सारी फाइलों पे साइन करके निकल लेगा। साहब आनंद वालों, गुजरात वालों, अगर अगला व्यंग अच्छा लगे तो बताना, इंस्पेक्टर ने 10,000 रुपया लिया और बोला देखो ये तो मैं था कि जो 10,000 में मान गया, कहीं असली वाले साहब आते। जिस भी आदमी ने मुझे देख करके सीटी बजाई है कि तो उसको मूछ नहीं दिखाई दे रही है। हाँ अच्छा लगता है कि आपको ऐसे आदमी को देख के बजाना सीटी है? बुरी बात है, ऐसा मत किया करो। पहले दिन ही मास्टर ने ब्लैक बोर्ड पे लिखा हिंदी, हिंदी के बगल में एक बिंदी लगाई, तो हमने पूछा ये बिंदी क्या है? मास्टर ने कहा अनुस्वार है। हमने कहा सर हमने रविवार सुना, सोमवार सुना, मंगलवार सुना, ये अनुस्वार क्या होता है? उन्होंने बोला ये हिंदी का श्रृंगार है। हम घर आए तो देखा हमारी चाची ने बड़ा सा अनुस्वार लगा रखा था। हमने चाची से पूछा ये क्या है? चाची ने बोला बेटा ये चाचा हैं। हम टेंशन में आ गए। हम भाभी के पास गए, भाभी ये कौन है? बोले बाबू ये भैया है। हमारा माथा खराब हो गया आनंद वालों। हम शाम को वॉश बेसिन में मुंह धो रहे थे तो देखा चाचा नल की टोटी से चिटका हुआ है, वॉश बेसिन के आईने से चिटका हुआ है, चाचा को जब हम कमोड पे चिटका हुआ पाए भाई साहब। इतनी दुर्दशा चाचा की एक दिन में कभी नहीं देखी। तब आपके बीच में एक कविता सुनाता हूं, आपको आनंद आएगा इस आज के आशीर्वाद के साथ। सुनिएगा कि देखिएगा कि प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत, अच्छी कविता है, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत एक शख्स ने अर्जी लगाई, बोला एक मकान हमको भी चाहिए भाई। अधिकारी ने नजर उठाई, बोला चाहिए मकान तो बताइए अपना नाम। शख्स बोले राम। वाह। अधिकारी बोला पिता का नाम बताएं। राम जी बोले दशरथ लिख दिया जाए। अधिकारी बोला पता अयोध्या मत बता देना वरना अस्तित्व ही खो बैठोगे, अभी तक तो मंदिर के लिए ही तड़प रहे थे, ये बताने के बाद सरकारी आवास से भी हाथ धो बैठोगे। अच्छा है। राम जी बोले जब अयोध्या है तो अयोध्या ही बताऊंगा और कहीं क्यों जाऊंगा। अधिकारी बोला लगता है रामलीला के सताए हुए हो या पागल खाना समझ के आए हुए हो। राम जी बोले ना रामलीला का सताया हुआ हूं ना पागल खाना समझ के आया हुआ हूं, आप तो मेरी अर्जी पर ध्यान दे दो, हूं तो मैं राम पर आप आम आदमी समझ के ही मकान दे दो। कवि के कहने का ढंग देखिए, आप आम आदमी समझ के ही मकान दे दो। अधिकारी बोला वाह वाह राम जी, न धनुष है न बाण है, आप राम हो इस बात का क्या प्रमाण है? राम जी बोले सब कुछ तो प्रमाण का ही खेला है, प्रमाण के ही चलते तो मंदिर निर्माण को इतने दिनों तक ठेला है। आज के बाद तेरे कार्यालय में कभी नहीं आऊंगा क्योंकि खुद को राम साबित ही नहीं कर पाऊंगा। अगली दो पंक्तियों पर पांडाल बिना हाथ ताली बजाए रुक जाएगा तो जो चाहिए हार कर चला जाऊंगा यहां से। आज के बाद तेरे कार्यालय में कभी नहीं आऊंगा क्योंकि खुद को राम साबित ही नहीं कर पाऊंगा। लेकिन अधिकारी एक बात कान खोल करके सुन ले, जब तक इस धरा पर सरयू की धारा बहेगी अयोध्या राम की थी राम की है और राम की ही रहेगी। बहुत अच्छे दिनेश, बहुत अच्छे।
क्या है, प्रेम करिए। मैं दुनिया में बैठ कहता हूं कि प्रेम करो, लव मैरिज करो। हाँ, क्योंकि लव मैरिज और अरेंज मैरिज में एक डिफरेंस है। लव मैरिज में अपने ही गर्लफ्रेंड से शादी होती है। अध्याय समाप्त हुआ। इस पर लोगों को याद आया, लोगों को याद आया कि उनका भी अध्याय समाप्त हो चुका है। ये तो ऐसे तलाश में कर रहे हैं कि मैं कुछ भी ऐसा कुछ मैं गलत करता ही नहीं हूँ साहब। हम तो जीवन जीते हैं, हम घर जाते हैं, हमें जो सम्मान घर में मिलता है, जो आप आज आदर सम्मान हमें दे रहे हैं, अगर ये हमें घर मिल गया होता तो यहाँ हम आते आपके पास? हम घर के सताए हुए हैं। अच्छा, हमारी छोड़ो, अगर आपको अपने घर पे मिल गया होता तो आप आते कि यहाँ पे आईएसडीएम साहब ये कलेक्टर साहब बैठे, कलेक्टर साहब कहाँ बैठे, ये बैठे पीछे में। सर भगवान कसम, मैं इतना सुनाने के बाद आपको बताता हूँ। मेरे पिताजी कलेक्टर कार्यालय में क्लर्क होते थे। अच्छा। तो जब भी कोई कलेक्टर साहब आते, घर आके 3 लात मारते और बोलते ऐसी पढ़ाई करो, कलेक्टर बनो, ऐसी पढ़ाई करो। हर 3 साल में कलेक्टर साहब का ट्रांसफर हो जाता, फिर आते, फिर धोते। 20 साल तक आपके नाम से मैं इतना कूटा गया। सर जो दर्द है, कौन सा बाप नहीं चाहेगा कि उसका बेटा कलेक्टर बने, लेकिन कूट कूट के चाहेगा, वो मेरा बाप था सर। उस दिन मैंने कसम खाई थी आनंद वालों कि मैं जरूर ऐसा कोई काम करूंगा कि कलेक्टर साहब नीचे बैठे होंगे। सर भगवान के घर देर है। आज आनंद की धरती ने साबित किया कि अंधेर नहीं है। हाँ, सही बता तो क्या होता जीवन में, होता आनंद लीजिए आप लोग, बहुत बड़ी बात है, कमाल है। जीवन क्या है, हंसी है मुस्कुराई। एक टिप्पणी करता हूं, दुनिया में ऐसी कोई क्रीम नहीं बनी कि आप उदास को अपने चेहरे पे लगा लें तो खूबसूरत लगने लगे। ईश्वर ने एक मुस्कुराहट बनाई है, चेहरा कैसा भी हो सिर्फ मुस्कुराते रहिए, दुनिया की सारी क्रीम फेल हो जाएगी और वो हम बांटने आपके बीच में आए हुए हैं। और अंतिम रूप से कविता, हाँ भैया, आपके बीच से विदाई लूंगा क्योंकि मैं तो छोटा कवि हूं, कम पैसा लेता हूं, अगले साल भी आ जाऊंगा। सर मेरा काम कैश में भी चल जाता है। देखिए साहब, जो साहब एक बात कहता हूं, कवि को लोग झोला लटकाए हुए कल्पना करते थे, क्या है कवि है। हमारी शादियां नहीं होती थी कवि के नाम पे, भगवान कसम बता रहे, मेरी तो नहीं हुई थी, आपके पता नहीं साहब। लेकिन एक शख्स निकला गाजियाबाद उत्तर प्रदेश के पिलखुआ शहर से, जो कवि के प्रति जो आदर सत्कार तो होता था लेकिन सम्मान में सिर्फ तालियां और दांत के अलावा कुछ नहीं होता था। उस कवि ने साबित किया कि यश क्या होता है कविता के नाम पर, कीर्ति क्या होती है कविता के नाम पर, लग्जरियस क्या होता है कविता के नाम पर। आज हम उनकी बदौलत बैलगाड़ी से अगर मर्सिडीज तक की यात्रा कर पाए हैं तो श्रेय किसी और को नहीं, डॉक्टर कुमार विश्वास को जाता है। जगह एक बार तालियां बजा करके बताइएगा कि ये सच क्या है। बस 4 लाइनें सुनाकर हास्य की खत्म करता हूं। आपको अच्छा लगेगा कि एक बकरी एक बकरे को देखकर मिमियाने लगी, मीठी आवाज में बुलाने लगी, बोली सुनो बकरे राजा, हम जानवर हैं तो क्या हुआ, हमारे सीने में भी दिल है जो धड़ धड़ धड़कता है, फरफर फरफर फड़कता है। बकरे ने कहा क्या बात है, बड़ी रोमांटिक हो गई हो, इश्क प्यार के चक्कर में खो गई हो। बकरी ने कहा आज मैं घास की जगह फिल्मी पोस्टर चबा के आई हूं, इसलिए मेरा दिल बेकरार है। सुनो बूढ़े राजा कहो न प्यार है, लेकिन मेरी इस कविता का एक ही मतलब और एक ही सार है, आज इस माहौल में हम एक साथ मिलकर बोलें, कहो न प्यार है, कहो न प्यार है, कहो न प्यार है, कहो न प्यार है। बहुत बहुत धन्यवाद, जोरदार तालियां दिनेश के लिए, वाह क्या बात है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो एक बार और जोरदार तालियां बजाकर दिनेश का स्वागत करें। वाह, कवि की यही जादूगरी होती है कि वो हंसते मुस्कुराते वो बात कह देता है जो दूसरे नहीं कह, जिसमें झगड़ा हो सकता है, लड़ाई हो सकती है, और यही कवि होने की उसकी लिबर्टी है। दिनेश ने पहले कवि की भूमिका निभाई। पहला कवि सबसे मुश्किल काम होता है। पहला कवि जैसे हलवाई जलेबी बनाता है ना, तो पहली जलेबी भट्टी में डाल देता है, तो ये पहली जलेबी भट्टी में डाली गई। हाँ, व्यवस्थाएं बन रही है, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, बैठ रहे हैं, ऐसे चलते माइक का पता नहीं है कि कैसे आवाज करेगा, किधर से लोग LED पे देख रहे हैं, किधर हमें देखेंगे, ये पता नहीं है। ऐसे में उसने अच्छा काम किया। आप बहुत मन से सुन रहे हैं, आइए मैं ऐसे कवि को बुलाऊं जिसे सुनकर आप सोचने पर भी विवश होते हैं और आपको
आपके जीवन में उत्साह भी आएगा, आपको कविता सुन के अच्छा भी लगेगा। एक बात और मैं कह दूं, हो सकता है इस परिसर में बैठे हुए किसी भी व्यक्ति को कवि की किसी बात का बुरा लगे, लेकिन मैं तो पहली बार आनंद आया हूं। पत्रकार मित्र भी यहां बैठे हैं, मुझे क्षमा करेंगे, ये तो स्थानीय पत्रकार हैं, ये तो नौकरी करने वाले लोग हैं। इस देश में इस समय सच तटस्थ नहीं है, सत्य है। सबको पता है कि कौन क्या बोलेगा। एक खबर है तो आपको पता है कि ये अखबार कैसे छापेगा और ये चैनल कैसे छापेगा। लोग मुझसे पूछते हैं कि प्याज सस्ती है कि महंगी। मैंने कहा सस्ती खरीदनी है तो जी न्यूज से खरीद लो, और महंगी खरीदनी है तो एनडीटीवी में मिल जाएगी आपको। हमको सबको पता है, आपको बुरा लग सकता है, लेकिन यह भी याद रखिए कि सत्ता जब जब अहंकारी होती है, चाहे वो प्रदेश की हो चाहे देश की हो, राजा जब जब मार्ग भूलता है, केवल ये कवि सम्मेलन के कवि बचे हैं जो उसकी आंख में आंख डाल के सच बोलते हैं, वो आपकी तालियों की ताकत की बदौलत, आपके समर्थन के बदौलत। यही वो लोग हैं जिन्होंने 77 में जब आपातकाल में अपहरण हुआ भारत की आजादी का, लोकतंत्र का, तो इन्होंने रात रात भर कविता गाई और जेलों में गए। हम ही वो लोग हैं जो देश के बड़े विमर्श के बारे में बोल देते हैं और वो धीमे धीमे आपके होठों की मुस्कान बन जाता है, अंगारा बन जाता है। मैं कैसे कवि को बुला रहा हूं जो वीर भूमि बुंदेलखंड से आए हैं और बड़े जोश के साथ अपनी बात कहते हैं। उनकी कोई बात बुरी भी लगे तो इसलिए स्वीकार कर लीजिए कि इस देश में तो पिछले 75 सालों में क्या क्या स्वीकार किया गया। अब हमारे सामने भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ पदाधिकारी कह रहे हैं चिंता मत करो, सबसे ज्यादा तो आप ही हैं चिंता। इनको अभ्यास कम है सुनने का, सबसे कम अभ्यास इन्हीं को सुनने का, इसलिए इनको अभ्यास डालता हूं मैं ज्यादा। कांग्रेस के मित्रों को बड़ा अभ्यास, उनको आप कुछ भी बोल दो, बेईमान भ्रष्टाचार, ठीक है बोले थे ही, कोई बात नहीं है, हम ना सुन रहे कोई बात। इनको अभ्यास करना चाहिए। और आखिरी बात कहकर अभिराम पाठक को बुला रहा हूं, इस पर आप तालियां देना और ये भी ताली देंगे जो किसी एक दल से जुड़े हुए लोग हों। हमारी चोटों को इसलिए स्वीकार करिए कि सड़क के किनारे पड़े हुए जिन पत्थरों ने हथौड़े और छेनी की चोट सहने से मना कर दिया, वो पत्थर बने रह गए, किसी मंदिर में पूजने योग्य मूर्ति नहीं बन पाए। तो अगर कवि बोले तो उसकी बात को स्वीकार किया जाए, सच के साथ स्वीकार किया जाए। आइए मैं सरदार पटेल की जन्मभूमि पर उसी पौरुष, उसी हनक, उसी तेवर के एक कवि को आमंत्रित करता हूं जो मुझे भी बहुत प्रिय है, मेरा पुराना मित्र है। आप सब जोरदार तालियों के साथ अभिराम पाठक को स्वीकार करें, एक बार और जोरदार तालियां बजाकर स्वागत। माँ सरस्वती के चरणों में नतमस्तक करता हूँ, मंच को प्रणाम करता हूँ, आप सभी सुधी श्रोताओं को नमन करता हूँ। मेरी रचना धर्मिता राष्ट्र के फटते हुए आंचल को अपने शब्दों से ढकने का प्रयास करती है। वाह। लेकिन यदि कोई सरकार अच्छा काम करे तो उसको प्रोत्साहित करना भी हम लोगों का हमारा नैतिक कर्तव्य बनता है। बहुत अच्छा। आज इस मंच पर इस युग के युग कवि डॉक्टर कुमार विश्वास बैठे हैं और डॉक्टर कुमार विश्वास जिस मंच पर होते हैं उस मंच पर कविता की स्थापना होती है। मैं भी चाहूं तो तीन पंक्तियां पढ़ करके चौथे में जयकारा जोड़ करके आपसे जयकारा लगवा सकता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि अपने काव्य पाठ का शुभारंभ कविता की पंक्तियों से किया जाए। और मैं इस देश के शौर्य की दो पंक्तियां पढ़ता हूं, सिर्फ दो पंक्तियां। यदि इन दो पंक्तियों में इस देश का शौर्य पूरी तरह से कह दिया हो तो यहां जितने भी लोग बैठे हैं मेरे गुजरात के मित्रों, इस उत्सव को महोत्सव बना देना। क्या बात है अभिराम, दो पंक्तियां पढ़ता हूं इस देश के शौर्य की, सुनना। स्वागत। सुनना डॉक्टर साहब, कि सूरज जब भारत में आता है तो शीश उठाकर आता है। सूरज जब भारत में आता है तो शीश उठाकर आता है, पर शौर्य देखता भारत का तो शीश झुकाकर जाता है। पर शौर्य देखता भारत का देश तक। इस देश के स्वाभिमान पर चार पंक्तियां और पढ़ता हूं। जब हमारे देश के स्वाभिमान अभिनंदन ने पाकिस्तान का एक रॉकेट गिराने के बाद धोखे से पाकिस्तान की जमीन पर पहुंच गया था
तो पाकिस्तान को 60 घंटे के भीतर उसे वापस करना पड़ा। बजाओ तो तरीके से बजाओ। आपने बाघा बॉर्डर पर अभिनंदन को आते हुए देखा होगा। अभिनंदन जब चला आ रहा था तो हिमालय की तरह उसका वक्ष, उसका ऊंचा माथा और स्वाभिमानी मूछें भी आपने देखी होंगी। चार पंक्तियां शुरू करता हूं, यहां से मेरा काव्य पाठ शुरू होता है, सुनना। कि सोए हुए शेर की न मूछ पे लगाओ हाथ, सोए हुए शेर की न मूछ पे लगाओ हाथ, शेर जो दहाड़ा खानदान मिट जाएगा। सोए हुए शेर की न मूछ पे लगाओ हाथ, शेर जो दहाड़ा खानदान मिट जाएगा। खाइयों में आपकी जो घूमते हैं जोर जोर, खाइयों में आपकी जो भौंकते हैं जोर जोर, दुम देख लोगे अभिमान मिट जाएगा। खाइयों में आपकी जो भौंकते हैं जोर जोर, दुम देख लोगे अभिमान मिट जाएगा। उग्रवादी यदि सरकार को चलाएंगे तो मानचित्र से ही वो निशान मिट जाएगा। उग्रवादी यदि सरकार को चलाएंगे तो मानचित्र से ही वो निशान मिट जाएगा। राम की कसम जिस भोर ठान लेंगे हम, राम की कसम जिस भोर ठान लेंगे हम, शाम नहीं होगी पाकिस्तान मिट जाएगा। राम की कसम। गुजरात में इतनी कम तालियों की उम्मीद नहीं थी। खैर, चार पंक्तियां और पढ़ता हूं। ऐसे नहीं, तरीके से लगाओ फिर। भारत माता की, अभी दोनों हाथ नहीं उठे पूरी सभा के। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। कश्मीर हमारा क्यों है? हम तो हिंदुस्तानी लोग हैं, तर्क से बात रखते हैं। स्वागत है अभिराम। तर्क के साथ एक छंद पढ़ता हूं, चार पंक्तियां पढ़ता हूं और बताता हूं कश्मीर हमारा क्यों है। कौन सा कश्मीर? जो पाक अधिकृत कश्मीर है उसकी बात करता हूं। अपना ये तो 370 खत्म ही हो गई, उसकी बात करता हूं, सुनना। कि भक्ति शक्ति अनुरक्ति का प्रतीक कश्मीर, मोहिनी स्वरूप तप ताप का है कश्मीर। भक्ति शक्ति अनुरक्ति का प्रतीक कश्मीर, मोहिनी स्वरूप तप ताप का है कश्मीर। शिव का निवास माता वैष्णव का तीर्थ धाम, प्रेम और पुण्य के प्रताप का है कश्मीर। शिव का निवास माता वैष्णव का तीर्थ धाम, प्रेम और पुण्य के प्रताप का है कश्मीर। भागीरथ की है तप साधना की भूमि, वह ऋषि मुनियों के मंत्र जाप का है कश्मीर। भागीरथ की है तप साधना की भूमि, वह ऋषि मुनियों के मंत्र जाप का है कश्मीर। सारी दुनिया के आगे छाती ठोक कहता हूँ, इतिहास देखो मेरे बाप का है कश्मीर। सारी दुनिया। अच्छा है, बहुत अच्छा है विराम, बहुत अच्छा है, वाह। आखिरी पंक्ति का गुस्सा बहुत अच्छा है। इस देश के 125 करोड़ के लोग चाहते थे, मैंने 125 करोड़ बोले हैं, 135 करोड़ नहीं बोले। इस देश के 125 करोड़ लोग चाहते थे कि इस देश से धारा 370 समाप्त हो जाए, लेकिन मेरे गुजरात के दोस्तों, जिस दिन धारा 370 समाप्त हुई तो 125 करोड़ तो छोड़िए, 545 में भी कुछ लोग ऐसे निकल आए जिसने इसका विरोध किया। तब एक कविता आपके बीच में पढ़ना चाहते हैं, कविता के कुछ अंश आपके बीच में पढ़ना चाहता हूं, फिर एक विशेष कविता पढ़ूंगा और अपना स्थान लूंगा। धारा 370 समाप्त होना क्यों जरूरी थी? क्या केवल कागज पर लिखी थी? धारा 370 से हमारा देश और कश्मीर कितना प्रभावित था, कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूं, सुनना। स्वागत है भाई। कि कश्मीर जो देवभूमि थी, देवों की जो गाथा थी, इसका शिल्प देखना और कविता सुनना। कश्मीर क्या है पहले वंद में? कि कश्मीर जो देवभूमि थी, देवों की जो गाथा थी, कश्मीर जो भारत माँ के स्वाभिमान का माथा थी, कश्मीर जो ऋषि मुनियों की घोर तपस्या का फल है, कश्मीर जो पूजा थाली में रखा पावन जल है, कश्मीर जो औषधियों के बीज मंत्र का अर्पण है, कश्मीर जो स्वर्ग लोक का इस धरती पर दर्पण है, कश्मीर जो नंदन वन है केसर की तरुणाई का, कश्मीर जो वृंदावन है प्रेम ग्रंथ चौपाई का।
अच्छा है, काश्मीर जो प्रेम ग्रंथ चौपाई का, काश्मीर वो सिसक रहा था बेबस पड़ा शिकंजों में, तड़प रहा था स्वार्थ वाले चंद लहू के पंजों में, काश्मीर वो 70 सालों बाद दिखाई देगा अब, गलियां गलियां महकेंगी आजाद दिखाई देगा अब, अरे रौनक रंगत बदलेगी। और एक पंक्ति पढ़ता हूं, और अभिराम पाठक इस दावे के साथ पंक्ति पढ़ता है कि इस पंक्ति पर इस पूरे पांडाल में एक मिनट तक कोलाहल होने वाला है, यदि आपकी वो पंक्ति समझ में आ जाएगी तो, और यदि आज नहीं कल समझ में आएगी तो दावा करता हूं अपने घर में खड़े होकर के आप तालियां बजाओगे। सुनना वो पंक्ति कि रौनक रंगत बदलेगी, रौनक रंगत बदलेगी फिर घाटी की अंगनाई में, और वंदे मातरम गूंजेगा बिस्मिल्ला की शहनाई में। वाह बहुत अच्छा, वाह 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 वाह। वंदे मातरम गूंजेगा बिस्मिल्ला की शहनाई में, आजाद परिंदे चहकेंगे अब मोर नचेंगे घाटी में, लगे कर्ण को प्रिय ऐसे अब ढोल बजेंगे घाटी में। और एक पंक्ति से यदि आप सहमत हो तो ही तालियां बजाना, वरना खामोश रहना। पूरे देश ने किस तरह से सहमति व्यक्त की है, ऐसे की है जैसे आजकल लोग बीजेपी को वोट दे रहे हैं। सुनना, मैं देखना चाहता हूं आप गुजरात के लोग कैसे सहमति व्यक्त करते हैं कि ढोल बजेंगे घाटी में तो कान फाड़ने वाला अब, कान फाड़ने वाला अब हर ढोल बदलने वाला है, और 56 इंची सीना अब भूगोल बदलने वाला है। बहुत अच्छे अभिराम। काश्मीर की छाती पर जो कीले से धस जाते, अब कारण सुनना, और मैं तमाम कारण छोड़ते हुए इसका एक बंद और पढ़ना चाहता हूँ, वह कारण जो शायद आज तक आप लोगों के संज्ञान में नहीं था, क्यों काश्मीर के 370 समाप्त होना चाहिए थी। एक बंद और इस कविता का पढ़ता हूँ, फिर एक विशेष कविता पढ़ता हूँ, सुनना। कि काश्मीर की छाती पर जो कीले से धस जाते थे, पाकिस्तानी ब्याह रचाकर धरती पर बस जाते थे, रिश्तों की फिर ढाल लिए कुछ नाग विषैले आते थे, ऋषि कश्यप की पुण्य भूमि को लहू लुहान बनाते थे, उग्रवाद के शोलों में हर रात यहाँ पर कटती थी, अलगाववाद से भारत माँ की हर दिन छाती फटती थी, इसलिए पाक झल्लाया था, इसलिए पाक झल्लाया था, अब गिन गिन मारे जाएंगे नकली चोले वालों के, अब वस्त्र उतारे जाएंगे, नकली चोले वालों के अब वस्त्र उतारे जाएंगे। किया बहुत बर्दाश्त अंधेरी काली घातक रातों को, खूब सिमैया खाई हमने भूल भूल कर घातों को, हमने जब भी किया भरोसा तब तुमने बम फोड़े हैं, हमने जब भी किया भरोसा तब तुमने बम फोड़े हैं, समझौते जो किए अभी तक सब समझौते तोड़े हैं। और एक पंक्ति पढ़ता हूँ, पूरे हिंदुस्तान में जब मैंने ये पंक्ति पढ़ी तो हिंदुस्तान वालों ने हाथ ऐसे उठाए जैसे अर्जुन गांडीव उठाया करते थे। देखना यह है कि गुजरात के लोग कैसे उठाते हैं। स्वागत है। कि किया भरोसा समझौते जब किए तब तक तुमने बम फोड़े हैं, तो बात ध्यान से सुन लेना, बात ध्यान से सुन लेना, है शाह शौर्य के आसन पर, गृह मंत्रालय हमारा शौर्य है, बात ध्यान से सुन लेना, है शाह शौर्य के आसन पर, और भूल न जाना कहीं भूल से मोदी है सिंहासन पर। अच्छा है, बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा अभिराम। एक विशेष कविता जिसके कारण डॉक्टर कुमार विश्वास जैसे लोग का ये मन मिलता है कि मैं भी उनके मंचों पर रहूं, उन विशेष मेरी प्रतिनिधि रचनाओं में से एक कविता आपके बीच में पढ़ना चाहता हूं, यदि आप अपनी तालियों से आदेश करें। अच्छी कविता है। पानी पी लें। हाँ विराम। एक प्रश्न आपके बीच लाया हूं, एक प्रश्न मैंने उठाया है, भगत सिंह की फांसी
24 मार्च 1931 को मुकर्रर हुई थी। बहुत अच्छी कविता। लेकिन भगत सिंह को 23 मार्च 1931 की शाम 7:30 बजे फांसी दे दी गई। मैं पूछना चाहता हूं कि किसी के जीवन का एक दिन छीनने का हक किसे मिल जाता है? लेकिन जब भगत सिंह की फांसी एक दिन पहले हो जाती है तो वो न्यायाधीश जिसके आदेश की तौहीन खुद ब्रिटिश हुकूमत करती है, वो न्यायाधीश क्या सोचता है? यहां से कविता शुरू होती है। मैं कोई मिर्च मसाला आज के काव्य पाठ में नहीं मिला रहा हूं, कोई बात नहीं कर, सीधे सीधे कविता पढ़ता हूं क्योंकि हमें डॉक्टर साहब तक पहुंचना है। एक कविता सीधे सीधे आपके बीच पढ़ता हूं, वो न्यायाधीश क्या सोचता है, कविता यहां से शुरू होती है। सुनना, चार पंक्तियां सुन लेना, इसके बाद आप सुनेंगे, यह दावा करता हूं। सुनना कि मौन हो गई सृष्टि, मौन हो गई सृष्टि, जिंदगी लगी मौत की दासी हुई। मौन हो गई सृष्टि, जिंदगी लगी मौत की दासी हुई। अनायास जब भगत सिंह की एक दिन पहले फांसी हुई, न्याय हो गया कैद, भगत जब जीवन से आजाद हुआ, न्यायपालिका चीख उठी, अंतर में घोर विषाद हुआ। सोच रहा था न्यायमूर्ति, मैं कलम नहीं हूं उंगली हूं, गोरों का कानून है अंधा, मैं उसकी कठपुतली हूं। और कविता यहां से शुरू होती है, सुनना। गोरों का कानून है अंधा, मैं उसकी कठपुतली होती, होती जो सिद्धांतहीन वह कौम फिसड्डी होती है, नियम और कानून मुल्क की रीढ़ की हड्डी होती है। ब्रिटिश हुकूमत हार गई, ब्रिटिश हुकूमत हार गई, अब साहस का घट रीत गया, भारत का ये सैनिक फांसी पर चढ़कर भी जीत गया। बहुत अच्छा, अच्छी कविता है। भारत का ये सैनिक फांसी पर चढ़कर भी जीत गया, साहस शौर्य पराक्रम का पर्याय टंगा है सूली पर, साहस शौर्य पराक्रम का पर्याय टंगा है सूली पर, भगत सिंह के साथ ब्रिटिश का न्याय टंगा है सूली पर। और कलेक्टर साहब, जो प्रश्न उठा करके लाया हूं, प्रश्न सुनना कि भगत सिंह का न्याय टंगा है सूली पर, न्यायमूर्ति खुद कहता था, न्यायमूर्ति खुद कहता था, ये न्याय नहीं है, मिथ्या है। अरे तुम कहते हो फांसी, इसको मैं कहता हूं हत्या है। भगत सिंह की हत्या की गई थी। हत्या हुई, भगत सिंह को जब मारा गया तो जो जल्लाद खड़ा हुआ था रस्सा खींचने वाला, वो जल्लाद तो हिंदुस्तान का बेटा था, हिंदुस्तान का एक बेटा। और उस वक्त जब लोग एक दूसरों पर अपनी जान दे दिया करते थे, उस वक्त जब एक हिंदुस्तान का बेटा दूसरे हिंदुस्तान के बेटे को फांसी की सजा देने के लिए अपना कर्तव्य निर्वहन करता है, वो क्या सोच रहा होगा, उसके मन में क्या आ रहा होगा? कल्पना कीजिए जल्लाद क्या सोच रहा होगा। मैं पढ़ता हूं क्या सोचता है जल्लाद। पहली बार लगा है जैसे मर्द खड़ा है सूली पर। पहली बार लगा है जैसे मर्द खड़ा है सूली पर, भारत माँ के जख्मों का हमदर्द खड़ा है सूली पर। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे अभिराम, क्या जोड़ा है, वाह। कैसी कठिन परीक्षा है, ये कैसे फर्ज निभाऊं मैं, लगता इसके पहले खुद ही सूली पर चढ़ जाऊं मैं। व्यक्ति नहीं तू महाशक्ति है, जो पौरुष को जगा रहा, घर में घुसे निकम्मों की तू कायरता को भगा रहा, तेरी मौत व्यर्थ ना होगी, अग्नि चिता की भड़केगी, अब से हर हिंदुस्तानी की सुस्त भुजा भी फड़केगी, अंग्रेजों का क्रूर फैसला तेरा यश फहराएगा, आज मनुज से ऊपर उठकर तू देवता बन जाएगा। तो साहब, वो जल्लाद अपने मन में क्या कल्पना करता है और क्या सोच करके रस्ता खींचता है, यदि आपको लगे कि उसकी कल्पना पूजनीय है तो दोनों हाथ उठा करके उसकी कल्पना के लिए आशीष देना कि आज मनुष्य से ऊपर उठकर तू देवता बन जाएगा तो तू सदियों तक अमर रहे, तू सदियों तक अमर रहे, तू सदियों तक अमर रहे, लो निज कर्तव्य निभाता हूं, तुझको सूली पर लटका कर ईसा मसीह बनाता हूं। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा, वाह 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 वाह, तुझको सूली पर लटका कर ईसा मसीह बनाता हूं। व्यक्ति नहीं तू अवतारी है, भारत माँ की कृत्या है, तुम कहते हो फांसी, इसको मैं कहता हूं। बहुत अच्छे, एक वो पंक्ति पढ़ता हूं
जो कोई कवि नहीं लिख सकता, मैंने भी नहीं लिखी। ये पंक्ति माँ सरस्वती ने साक्षात प्रकट होकर के मुझे दी है। मेरे एक मित्र ने मुझसे कहा कि भगत सिंह के गले में जो रस्सा पड़ा है, फांसी का फंदा पड़ा है, वो तो हिंदुस्तान का है। यदि वो रस्सा भगत सिंह के गले को नहीं कसता तो भगत सिंह नहीं मरते, उसने क्यों कस दिया? मैंने रस्से से पूछा, रे रस्सा, तू तो हिंदुस्तान का था, तूने भगत सिंह के गले को क्यों कसा? 15 दिन तक साहब रस्से ने जवाब नहीं दिया। 16वें दिन अर्धनिद्रा की अवस्था में मुझे यह जवाब मिलता है। मैं उठता हूँ, वो पंक्तियाँ लिखता हूँ और सो जाता हूँ। सुबह जब सोकर के 9 बजे उठता हूँ तो वो उस रस्से का जवाब होती हैं। स्वागत है। सुनना, मैंने कहा, रे रस्सा, तू तो हिंदुस्तान का था, तूने भगत सिंह के गले को क्यों कसा? एक दृश्य से रस्सा जवाब देता है। भगत सिंह ने रस्से को पकड़ा, होठों से चूमा और गले में डाल लिया। अब रस्से का जवाब सुनना कि ज्यों ही छुआ भगत ने रस्सा, रे रस्सा, तू तो हिंदुस्तान का था, तूने भगत सिंह के गले को क्यों कसा? ज्यों ही छुआ भगत ने रस्सा, ज्यों होठों के निकट गया, ज्यों ही छुआ भगत ने रस्सा, ज्यों होठों के निकट गया, फूट फूट कर रोया रस्सा और गले से लिपट गया। वाह, क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 वाह, अच्छा है। उसे क्या पता था उसका लिपटना मौत बन जाएगा। फूट फूट कर रोया रस्सा और गले से लिपट गया, क्यों? बाल सखा सा कभी भगत संग खेला करता राहों में, कहीं पतंग का धागा बनकर, रक्षा बनकर बाहों में, रूप बदलता रहता था मैं, धागा डोरी रस्से का हिस्सा बनकर साथ रहा हूं जीवन के हर हिस्से का। राखी बनकर आया एक दिन और बहन का प्यार बना, एक दिन रक्षा पर्व बना था, आज मरण त्योहार बना। तो ईश्वर, ईश्वर मेरी शक्ति छीन ले, टुकड़ों में कट जाऊं मैं, टूट टूट कर बिखर सकूं, कई हिस्सों में बट जाऊं मैं, अरे कितना दर्द मुझे है इस पल, किसको व्यथा सुनाऊं मैं, जो मेरी गांठ खोलता था कैसे गला दबाऊं मैं। जो मेरी गांठ खोलता था कैसे गला दबाऊं मैं। तो भारत माँ का सच्चा बेटा, तन मन से जो सत्या है, तुम कहते हो फांसी इसको, मैं कहता हूं। कविता की अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूं, चार पंक्तियां। भगत सिंह को जो मैला साफ करने वाला था या वाली थी, वो उसका नाम तो था बोधा, पुरुष था वो, लेकिन भगत सिंह उसे बेबे कहते थे। पंजाब में बेबे माँ को कहते हैं। भगत सिंह से पूछा गया, आप बेबे क्यों कहते हैं? तो वो कहते थे, बचपन में मेरी माँ मेरा मैला साफ करती थी, आज ये मेरा मैला साफ करता है, तो ये मेरी माँ है, ये बेबे है। जब भगत सिंह ने उसे माँ मान लिया तो मैंने भी माँ माना है और उसे एक महिला चरित्र के रूप में ही स्थापित किया है। भगत सिंह ने उससे कहा, 4 दिन पहले, बेबे मैं तुम्हारे हाथ से खाना खाना चाहता हूँ। वो बोली, तुम उच्च कुल के हो, मैं निचली जाति की हूँ, यदि तुम मेरे हाथ से खाना खाओगे तो तुम्हें मोक्ष नहीं मिलेगा, मुक्ति नहीं मिलेगी। भगत सिंह कहते हैं, बेबे माँ, एक बेटे को मोक्ष या मुक्ति तब मिलती है जब वो माँ के हाथ से दो निवाले खा ले। 23 मार्च 1931 की शाम 7:30 बजे वो बेबे अपने घर में बैठी सोचती है कि उसका मुंह बोला बेटा कल फांसी पर चढ़ने वाला है। उस अभागिन को क्या पता कि उसका बेटा तो आज अभी इसी वक्त बैरक से तख्ते की ओर चल दिया है। कविता की अंतिम पंक्तियां सौंपता हूं, वो क्या सोचती है सुनना। स्वागत है। कि साफ सफाई करने वाली बेबे का मन व्याकुल था, साफ सफाई करने वाली बेबे का मन व्याकुल था, माँ के उस संबोधन को वो भुला सके ये मुश्किल था। कितने भोलेपन से उसने अंतिम इच्छा बतलाई, जाति धर्म सब भुला के मेरे हाथों से रोटी खाई। और वो भगत सिंह जब रोटी खा रहे थे तो उनके हाथ बंधे थे, पैर बंधे थे, बेबे अपने हाथों से खिला रही थी। वो दृश्य सौंपता हूँ कि जाति धर्म सब भुला के मेरे हाथों से रोटी खाई। उस पल ऐसा लगता था वो जैसे कृष्ण कन्हैया हो, उस पल ऐसा लगता था वो जैसे कृष्ण कन्हैया हो, पल भर को यूं लगा कि जैसे मुझमें यशोदा मैया हो। पल भर को यूं लगा कि जैसे मुझमें यशोदा मैया हो, तो लौटा दे जो लाल मेरा तो उसकी झोली भर दूंगी, और जिसे जना है भगत के बदले उसे निछावर कर दूंगी।
जिसे जना है भगत के बदले उसे निछावर कर दूंगी। तो मन ही मन में जाने क्या क्या बेबे सोच रही थी, टप टप गिरते आंखों से वो आंसू पोंछ रही थी कि अनायास ही कानों में एक स्वर आकर के बोला, अनायास ही कानों में एक स्वर आकर के बोला, रंग दे बसंती चोला माई, रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला माई, रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला माई, रंग दे बसंती। बहुत अच्छे, बहुत, एक बार जोरदार तालियां अभिराम के लिए, वाह, बहुत अच्छा। जो लोग कविता के सम्मान में खड़े हुए हम उनके भी आभारी हैं, बहुत, उसकी यात्रा बड़ी लंबी है, वो छतरपुर से यहाँ तक आए और उन्होंने एक अच्छी कविता सुनाई, एक नया विषय सौंपा कि दुनिया में लोकतंत्र की दुहाई देकर सबके पर्चे फाड़ने वाले ये ब्रिटिशर्स, ये खुद कितने बड़े हत्यारे हैं कि इन्होंने एक निर्धारित फांसी को एक दिन पहले किया। और इसीलिए मैं कहता हूं, गुजरात के लोगों, भारत के लोगों, विश्व में कहीं भी जाओ, अपना आत्मविश्वास कम मत करो, क्योंकि दुनिया के 25-30 देश घूमने के बाद मैं ये जानता हूं और मैं सोचता हूं आप भी घूमे होंगे, हम में हजार कमियां हैं, हम में हजार लड़ाइयां हैं, हम में हजार मतभेद हैं, पर दुनिया में एक देश ऐसा नहीं है जिसके बदले में इस देश की मिट्टी को छोड़ने का सुख लिया जा सके। जो सुख इस मिट्टी में है वो कहीं नहीं। मैं तो इसके साथ गया था, रमेश मुस्कान के साथ एक बार अमेरिका गया, तो 2018 में, तो वीजा पे लिखा हुआ था, इंग्लैंड में वीजा पे लिखा हुआ था ऑक्यूपेशन पोइट, क्योंकि तब तक अपनी दूसरा वाला कार्यक्रम बंद हो चुका था, कविता ही बची थी और यही बची थी, तो लिख रखा था द पोइट। तो जो लड़की इमिग्रेशन पे बैठी थी उसने मुझे देखा, बोली पोइट, उसको लगा कि कवि, और बिजनेस क्लास में कैसे चला आया सपेरों के देश से, हम तो भिकमंगा छोड़ के आए थे। उसे पता नहीं था कि नया भारत है जहां गिरते गोले और चलती हुई बंदूकों के बीच में भी भारत के बेटे अगर तिरंगा दिखा देते हैं तो दो देशों की सेनाएं सलाम करने लगती हैं और रास्ता छोड़ देती हैं, ये नया हिंदुस्तान है। तो मुझसे बोली पोइट, मैंने कहा यस आई एम ए पोइट। तो उसने कहा ओके सो हाउ लॉन्ग यू आर गोइंग टू स्टे इन माई कंट्री मिस्टर पोइट, कितने दिन मेरे देश में रुकने का आपका योजना है। मैंने कहा लेस देन योर फादर्स स्टेज इन माई कंट्री, तेरे बाप दादा जितने रुके थे उससे कम ही रुकूंगा। तो अपना आत्मविश्वास कभी नहीं खोना चाहिए। मैं कैसे कवि को बुला रहा हूं, आपने अभिराम पाठक को सुनने में बुद्धि लगाई जिसका मुझे काफी दुख हुआ। आप लोग यहां आनंद करने के लिए आए थे, आनंद में बुद्धि लगाने थोड़ी आए थे। अब मैं एक ऐसा कवि बुला रहा हूं जिसे सुनने में आपको बिल्कुल बुद्धि नहीं लगानी, क्योंकि उसने लिखते में नहीं लगाई। रमेश मुस्कान आगरा से आए हैं, मेरा उनसे अनुरोध है कि वो अपना पार्थिव शरीर उठाएं और आप जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करें। जितना इसका वजन है उतनी भी ताली नहीं बजाई आपने, बताओ एक बार, दूसरी बार में पहली बार से भी कम बजाई। माइक तक गर्म हो गया। माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ, आप सबकी पावन उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। बहुत शानदार धुआंधार काव्य पाठ कर दिया और काफ़ी लंबी कविता उन्होंने सुनाई। इतनी लंबी कविता मैंने लिखी नहीं है ना मैं सुना पाऊँगा, हाँ, क्योंकि वो तो रस्सा से बात कर रहे थे, रस्सा भी उनकी सुन रहा था, मेरी तो इंसान भी सुन ले वही बहुत है। रस्सी से बातचीत बताइए कि रस्सा ये बोला, बड़े कवि हैं कल्पना कर लेते हैं, मैं तो भाई प्रैक्टिकल आदमी हूँ, सच बता रहा हूँ मैं डॉक्टर कुमार विश्वास, मेरा क्या शानदार परिचय उन्होंने दिया कि मोटा हो गया है, पार्थिव शरीर आगरा से आया है, बहुत प्रेम करते हैं ये मुझे, हमारे डॉक्टर कुमार विश्वास इकट्ठे जवान हुए, हाँ इसमें हंसने की क्या बात है, हमारे डॉक्टर कुमार विश्वास इकट्ठे जवान हुए, वो बात अलग है कि ये जवान हो गए और मैं इकट्ठा, कई देशों की यात्राएं मैंने इनके साथ की, ऐसा नहीं कि विदेश में जाते हैं मुझे साथ ले जाते हैं, इज्जत बचा के मैं ही लाता हूँ, हाँ, क्योंकि जब किसी भी देश में जाते हैं तो ज्ञान और कविता तो बाद में सुनता है कोई, पहले तो कदकाठ ही देखता है। जैसे ही ये बाहर निकलते हैं एयरपोर्ट से, वहाँ के लोग समझते हैं भारत में भुखमरी है, बाद में मैं निकलता हूं तो समझ जाते हैं क्यों है।
आनंद लीजिएगा, अद्भुत कविता हो गई वीर रस की, आपने सुनी। ये तो बहुत अच्छे कवि हैं, बहुत पुराने कवि हैं, वरना हमारे यहाँ साहब ऐसे ऐसे वीर रस के कवि आ गए, बात कुछ होती नहीं है, बहुत कठिन कठिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, चिल्ला के सुना देते हैं, आप डर के मारे ताली बजाते हो। पिछले दिनों एक कवि को सुनता था, बात कुछ नहीं थी, तालियां बजती थी। कहता था अंधकार के घोर तिमिर में, मतलब एक ही है लेकिन भाई लगा हुआ है, अंधकार के घोर तिमिर में घना अंधेरा छाया है, सूरज निकला भोर हो गई, चलो सवेरा आया है। ऐसी ऐसी कविताएं भी आने लगी, अद्भुत कर दिया भाई, और कई तो इतने भावुक हो जाते। अच्छा तर्क कुछ नहीं होता, पाकिस्तान पे इन्होंने भी सुनाया, एक तो पिछले दिनों कह रहा था पाकिस्तान तेरी छाती पर इंच इंच पर तिरंगा गाड़ देंगे, मैंने कहा भाई इसमें थोड़ा गैप कर ले भाई, तिरंगा गाड़ने के लिए निकलेगा कहाँ। मेरे पास इस तरह की कोई कविताएं हैं नहीं, और मैं लंबी कविता बिल्कुल आपको नहीं सुनाऊंगा। मैंने एक बार एक लंबी कविता अमेरिका में सुना दी थी, सामने से एक साहब खड़े हो गए, बोले जनाब जरा जल्दी कीजिए वरना आपका वीजा खत्म हो जाएगा। मैं छोटी छोटी हास्य व्यंग की कविताएं आपको सुनाना चाहता हूं, जिस तरह की कविताएं मैं लिखता हूं। काफ़ी बुरे समय के बाद हम मिल रहे हैं, कोरोना काल, लॉकडाउन, कितना बुरा समय हमने देखा, कितने बुरे दिन थे साहब, आहा लॉकडाउन याद करो आप, कितना डर, सरफ के पैकेट को सरफ से धो रहे थे। अद्भुत ही था जीवन, अपनी ही पत्नी के साथ बंद थे, अपनी ही पत्नी की शकल देखनी पड़ रही थी। बाद में सरकार को थोड़ी दया आई, ब्यूटी पार्लर तक बंद थे, सरकार को दया आई, उसने शराब की दुकानें खुलवा दी, यहां तो वो भी नहीं हुआ। जिसे पीकर चुड़ैल भी सुंदर दिखाई देती है। मैं सच्ची घटना बता रहा हूं, लॉकडाउन में बाहर पुलिस डंडा बरसा रही है, मेरी पत्नी बोली जी मेरी लिपस्टिक खत्म हो गई है, मेरी सहेली के घर से एक लिपस्टिक ले आओ, मैंने कहा तेरे जरा से होठ लाल करने के चक्कर में पुलिस मेरा क्या क्या लाल करेगी। तो डॉक्टर कुमार विश्वास मेरे बड़े भाई हैं, मुझे बहुत प्रेम करते हैं, और वही प्रेम है इनका मेरे प्रति जो इनका आजकल केजरीवाल के साथ चल रहा है। अच्छा क्या है, मैं सच बता रहा हूँ, चुहलबाजी हम कितनी भी कर लें, अच्छा क्या होता है इनके साथ हम जाते हैं तो इनके साथ तमाम VIP व्यवस्थाएं मिलती हैं, आजकल वाई सिक्योरिटी ने मिली हुई है, कमांडो आ जाते हैं चारों तरफ से, हमको भी उनके साथ में सुविधा मिलती है, आओ भैया आओ घेरा बनाओ घेरा बनाओ घेरा बनाओ, मैंने कहा भैया इनका बनाओ हमारा तो बना हुआ है। अन्ना आंदोलन हुआ, अन्ना जी इन्हें ढूंढ के लाए, क्योंकि आंदोलन में आपको पता है कुटना पिटना पड़ता है, अब पुलिस इन्हें देखती बोले पीटे तो क्या पीटे, कहां से पीटे, लेकिन ये सब मजाक की बातें हैं। मैं गंभीरता से एक बात कहना चाहता हूं, डॉक्टर कुमार विश्वास हमारे हिंदी काव्य जगत का वो कोहिनूर हीरा है जिसकी आभा में बैठ करके हम जैसे कंकड़ पत्थर भी चमकने लगते हैं। इन्होंने प्रेम की कविताएं लिखी, मैं भी चाहता था कि इनकी तरह प्रसिद्धि मिले, प्रेम की कविताएं लिखूं, लेकिन वो अपने से हुआ नहीं, क्योंकि मेरा मानना यह है कि ये प्रेम प्यार की कविताएं हैं वो कोई खास बात है नहीं, वो कॉलेज टाइम में जो कुछ हरकतें की गई होती हैं उसका काव्यानुवाद है। हाँ कॉलेज तो मैं भी जाता था लेकिन मैं पढ़ने जाता था। प्रयास मैंने भी किए कोई प्रेमिका हो सकता है इनको दिखी हो प्रेमिका की नीली नीली आंखें तो वैसा लिख दिया, मुझे तो उसके बाप की लाल पीली पहले ही दिख गई थी। प्रयास मैंने भी किए लेकिन परिणाम ऐसा नहीं कि सब ठीक ठाक निकलते हैं, परिणाम कभी दूसरी तरह के भी निकलते हैं। मैं बहुत सीधा सरल लिखता हूं, अखियां लड़ गई, वाह नहीं परिणाम सुनिए, अखियां लड़ गई, एक पल्ले पड़ गई, बात बढ़ गई, दिमाग को चढ़ गई, मेरी जिंदगी में एक कहानी और गड़ गई, इजहार किया तो तीन चार जड़ गई, महीनों की आशिकी मिनटों में झड़ गई। हाँ बहुत अच्छा, ये देखिए ये प्रेम है, पिटने पर बधाई दी जा रही है। इन्होंने मुक्तक लिखे, मैंने कुछ तुक्तक लिखे हैं। तुक्तक? हाँ मैं एक दो तुक्तक सुना दूं क्या? हाँ इन्होंने लिखा
मोहब्बत सिर्फ एहसासों की पावन सी कहानी है, कभी कबीरा दीवाना था कभी मीरा दीवानी है। मैंने कहा करके देखो तब पता लगेगी मोहब्बत है क्या। सुनिए आपको आनंद आएगा। मोहब्बत सिर्फ खर्चों की बड़ी लंबी कहानी है। समझ रहा हूं सब लुटे पिटे बैठे हैं। मोहब्बत सिर्फ खर्चों की बड़ी लंबी कहानी है। अच्छा। कभी पिक्चर दिखानी है कभी साड़ी दिलानी है। मास्टर रोज कहता है कहाँ है फीस के पैसे। मास्टर रोज कहता है कहाँ है फीस के पैसे। उसे समझाऊं मैं कैसे मुझे छोरी पटानी है। बहुत अच्छे मैं समझ रहा हूँ, ऐसे लोग भी हैं। एक तमाम लोग यहाँ बैठे हुए हैं और कुछ लोग जोड़े से आए हुए हैं फिर भी हंस रहे हैं, उन्हें बधाई देना चाहता हूँ। जिनकी नहीं हुई है उन्हें ज्ञान देना चाहता हूँ, वो सुन लीजिएगा कि ये बीवी तो मुसीबत की ही लेकर आएगी आंधी। ये बीवी तो मुसीबत की ही लेकर आएगी आंधी। गुलामी में ही जियोगे न कुछ कर पाएंगे गांधी। अरे कुछ सीख लो अपने बड़े सलमान भाई से। अरे कुछ सीख लो अपने बड़े सलमान भाई से। दूध अमूल का पीते रहे पर भैंस ना बांधी। वो समझ गया है। अच्छा हाँ, कितनी भी दोबारा सुन लो इसमें डेरी का पता फिर भी नहीं आएगा। हाँ बहुत अच्छे समझ रहा हूँ मैं, सबका चरित्र सामने आ रहा है। एक तुक तक और सुन लीजिएगा। हमारे यहाँ आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी हैं, उन्होंने एंटी रोमियो लगा रखा है। क्या स्थितियाँ हो गई हैं। ऐसा नहीं कि प्रेम में सब कुछ ठीक ठाक चलता है। किसी कमनीय कन्या का कहीं पर दीद हो जाए। पहली लाइन तो मैं अच्छी लिखता हूं कि किसी कमनीय कन्या का कहीं पर दीद हो जाए। संभव है नहीं उस पल सभी की ईद हो जाए। एंटी रोमियो स्क्वाड वाले घूमते हैं अब। न जाने कब कहां पे आपकी बकरीद हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको बधाई देना चाहता हूँ आयोजक प्रायोजक सभी को कि आपने हिंदी के कवि बुलाए, कवि सम्मेलन करवाया। वरना डॉक्टर कुमार विश्वास जितना लेते हैं उतने में कुछ भी हो सकता था। रॉक पॉक तमाम तरह की चीज़ें चल रही हैं, तो कहीं ना कहीं आप संस्कारों को जिंदा रखे हुए हैं, भारतीय संस्कृति को जिंदा रखे हुए हैं। भारतीय संस्कृति पाश्चात्य संस्कृति पर क्या प्रहार कर रही है उसको रेखांकित करते हुए मैंने एक गीत लिखा है, वो आप तक पहुंचाना चाहता हूं। एक बार तालियां बजा करके मुझे माहौल दे दीजिए। स्वागत है। जो उसने लिखा, ओ कंप्यूटर युग की छोरी। ओ कंप्यूटर युग की छोरी, मन की काली तन की गोरी। किंच तो अपनी बाहों का गलहार नहीं दे पाऊंगा। करना मुझको माफ, मैं तुमको प्यार नहीं दे पाऊंगा। ओ कंप्यूटर युग की छोरी। हाँ, ताली वाली बजाते रही, आसाराम बापू की कथा नहीं हो रही है। आनंद लीजिएगा। क्यों नहीं दे पाऊंगा, तर्क सुनिए। कि तुम फैशन टीवी सी लगती, मैं संस्कार का चैनल हूँ। तुम फैशन टीवी सी लगती, मैं संस्कार का चैनल हूँ। तुम मिनरल वाटर की बोतल, मैं गंगा का पावन जल हूँ। तुम करो गाड़ियों की मांगे, मैं पाँव पाँव चलने वाला। तुम हेलोजन सी जलती हो, मैं दीपक सा जलने वाला। तो चमक दमक वाला तुमको संसार नहीं दे पाऊंगा। करना मुझको माफ, मैं तुमको प्यार नहीं दे पाऊंगा। यो कंप्यूटर युग की छोरी। लड़की मॉडल है, मॉडलिंग करती है। कि तुम रैंप पे देह दिखाती हो, मैं संस्कार को जीता हूँ। तुम रैंप पे देह दिखाती हो, मैं संस्कार को जीता हूँ। जब तुम्हें देख सीटी बजती, मैं घूंट लहू का पीता हूँ। तुम सदा स्वप्न में जीती हो, मैं हूँ यथार्थ जीने वाला। तुम जाम टकीला पीती हो, मैं हूँ मट्ठा पीने वाला। तो फास्ट फूड भी मैं तुमको हर बार नहीं दे पाऊंगा। करना मुझको माफ, मैं तुमको प्यार नहीं दे पाऊंगा। यो कंप्यूटर युग की छोरी।
और तर्क सुनिए, संस्कार से मुझे याद आ गया और ये सच्ची घटना है, कोई जोक नहीं है। संजय दत्त को जेल से जल्दी छोड़ दिया था क्योंकि उसका आचरण व्यवहार ठीक ठाक था जेल में, तो उसे जल्दी छोड़ दिया था। ये खबर टीवी पर चल रही थी। मेरा एक 12-13 साल का भतीजा है, उसने वो खबर देख के कहा, चाचा इसे जल्दी क्यों छोड़ दिया? मैंने कहा, बेटा इसके जेल में आचार व्यवहार संस्कार बहुत अच्छे थे। बोले, अच्छा चाचा, आसाराम बापू जेल में भी नहीं मानने क्या? आनंद लीजिएगा कि तुम क्लॉक अलार्म से न जगो, मैं कॉक बांग से जगता हूँ। तुम क्लॉक अलार्म से न जगो, मैं कॉक बांग से जगता हूँ। तुम डिस्को की धुन पर नाचो, मैं राम नाम ही जगता हूँ। तुम डैडी को अब डैड कहो, अंग्रेजी की भी अंग्रेजी, तुम डैडी को अब डैड कहो, मम्मी को मोम बताती हो। तुम करवा चौथ भूल बैठी, डे वैलेंटाइन मनाती हो। तो तुम्हें तुम्हारे सपनों का त्योहार नहीं दे पाऊंगा, करना मुझको माफ, मैं तुमको प्यार नहीं दे पाऊंगा। यो कंप्यूटर ही वो की छोरी। और तर्क सुनिए कि तुम पॉप म्यूजिक सी बजती, मैं बंसी की धुन का धुनिया। तुम पॉप म्यूजिक सी बजती, मैं बंसी की धुन का धुनिया। मुझ पर डॉट फोन भी ना, तुम पर इंटरनेट दुनिया। तुम मोबाइल के मैसेज सी, मैं पोस्ट कार्ड लिखने वाला। तुम टेडी बियर सी लगती, मैं गुब्बारा उड़ने वाला। तो भौतिकवादी सुख साधन संचार नहीं दे पाऊंगा, करना मुझको माफ, मैं तुमको प्यार नहीं दे पाऊंगा। यो कंप्यूटर यो की छोरी। अंतिम बंद पढ़ता हूँ, इसमें कुछ प्रतीक राजनीति से हैं। कवियों का, साहित्यकारों का किसी भी राजनीतिक दल से कुछ लेना देना होता नहीं है। मस्ती में लिखा है, मस्ती में सुन लीजिए। और मैं उत्तर प्रदेश से आया हूँ, हमारे यहाँ तो नेता बड़े कमाल कमाल के हुए हैं। एक बार मुलायम सिंह जी ने बयान दिया था, काफ़ी चर्चा में रहा था, कि लड़कों से गलती हो ही जाती है। बाद में नारायण दत्त तिवारी जी ने माथा कूट लिया, बोला गलती से लड़के हो जाते हैं। हम उन विसंगतियों में, इसमें जो अंतिम नाम आए उन्हें प्रणाम कर लीजिएगा, क्योंकि वो हमारे कुनबे से भी थे। आनंद लीजिएगा कि मैं धरती पुत्र मुलायम सा, तुम हो कठोर माया जैसी। मैं धरती पुत्र मुलायम सा, तुम हो कठोर माया जैसी। मैं सिंह गर्ज नावाला हूँ, तुम हथनी की काया जैसी। तुम सब कुछ अपना हार चुकी, तुम सब कुछ अपना हार चुकी, मैं जीता हुआ जुआरी हूँ। तुम इटली की रानी जैसी, मैं देसी अटल बिहारी हूँ। तो तुमको अपने जीवन की सरकार नहीं दे पाऊंगा, करना मुझको माफ, मैं तुमको प्यार नहीं दे पाऊंगा। क्या बात है, बहुत अच्छा। एक बार जोरदार तालियां रमेश मुस्कान के लिए। वाह क्या बात है रमेश, बहुत अच्छा। मुझे सबसे अच्छा लगा कि इस कविता का जो विराम है वो हिंदी कवि सम्मेलनों में भी बड़े शीर्ष पर रहे और देश की राजनीति में उन्होंने एक नया स्कूल पैदा किया। मैं अक्सर कहता हूँ, मुझसे कोई आदमी पूछता है कि आपका पॉलिटिकल थॉट क्या है, लेफ्टिस्ट हैं राइटिस्ट हैं कि क्या हैं, मैं उससे कहता हूँ कि हम तो अटल बिहारी वाजपेयी स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स के विद्यार्थी हैं। एक ऐसा व्यक्ति जिसने संसद के अंदर आम हिंदुस्तानी के लिए एक भरत वाक्य लिख दिया। आपको जब भी परेशानी हो, जब भी आपको लगे कि इस बात पर बोलना है कि नहीं बोलना, पार्टी की समस्या हो जाएगी, नेता के खिलाफ चला जाएगा, सदा एक बात अटल जी की याद रखना जो उन्होंने पार्लियामेंट में बोली थी। मैं दिन रात उस बात को याद रखता था, याद रखता हूँ, राजनीति में भी रखता था, अब भी याद रखता हूँ। सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, सत्ता का खेल तो चलेगा, ये देश रहना चाहिए, इसका लोकतंत्र रहना चाहिए। आप बहुत मन के साथ सुन रहे हैं। मैं चाहता हूं कि थोड़ा यहाँ वो रस बरसे जिसके लिए द्वारिकाधीश तरसते थे। गुजरात के लोगों, आपसे एक शिकायत है हमें, हमने आपको हंसता मुस्कुराता बांसुरी बजाता हुआ कन्हैया दिया था, आपने उसे शक सुदर्शन चलाने वाला द्वारिकाधीश बना दिया। ये जो भाषा अभिराम पाठक ने बोली थी, ये चक्र सुदर्शन की भाषा थी, और अब मैं जिसे बुला रहा हूं वो बांसुरी की भाषा बोलती है। लेकिन मेरी इस खोज पर आपकी तालियां बजे, इन दोनों में अंतर है। चक्र सुदर्शन शक्ति का प्रतीक है। भगवान कृष्ण हमको समझा कर गए हैं कि शक्ति और प्रेम दोनों में संभालना हो तो कैसे संभालना। जब वो शक्ति संभालते हैं तो अपने हाथ की सबसे छोटी उंगली पर उसको धारण कर लेते हैं, लेकिन जब वो प्रेम में बजने वाली बांसुरी संभालते हैं तो दसों की दसों उंगलियों को लगाकर पूरे शरीर को टेढ़ा मेढ़ा कर लेते।
यानी कि जब प्रेम संभालो तो दसों कर्मेंद्रियां ज्ञानेंद्रियां मिलाकर संभालो, और जब शक्ति को संभालो, शक्ति का उपयोग करो तो यूं ही कर दो, क्योंकि जिन्होंने शक्ति के अहंकार में कभी कुछ किया था, देखो उनकी क्या हालत है दुनिया। मैं ब्रिटेन जाता हूं तो देखता हूं, वहां किसी भी बिल्डिंग के पास से गुजरिए उसमें लिखा रहता है 1723 में बनी थी। हम और ये घूम रहे थे, याद है हेली रोड के बगल में, मैंने रुक के दिखाया, वहां लिखा हुआ था कि रॉबर्ट क्लाइव इंडिया में जो वायसराय रहे थे वो इस बिल्डिंग में 11 साल रहे, क्योंकि बेकल साहब का शेर है कि उधर वो हाथों में पत्थर बदलते रहते हैं। इस शहर में भी जो धनी लोग हों, जो शक्तिशाली लोग हों, जो सत्ता में हों या कहीं भी हों, वो ये ध्यान रखें सदा, हम इसी काम के लिए बुलाए जाते हैं। इस पर तालियां देना कि उधर वो हाथों में पत्थर बदलते रहते हैं, इधर भी अहले जुनू सर बदलते रहते हैं, ये दबदबा ये हुकूमत ये नशे दौलत, किराएदार हैं सब घर बदलते रहते हैं। जब तक सामाजिक जिम्मेदारी को आप किराएदार की तरह निभाओगे तब तक आपका जीवन सुख में रहेगा। 5-स्टार होटल के स्वीट में रुकते हो तब भी ये चिंता नहीं करते हो कि इसे छोड़ के जा रहा हूं, रोते नहीं हो, लेकिन जो बनाया खुद का मकान है वो छुट जाएगा इसके लिए रोते, परिवार छुट जाएगा इसके लिए रोते हो। तो ये जो तटस्थ प्रेम का भाव है, मैं इसके लिए आपके ही आंगन में जो इन दिनों कविता का आकार गढ़ रही है, हमको कम तालियों में सुनिए चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपने अपने ही आंगन की तुलसी को एक लोटा पानी प्रेम का नहीं दिया तो इन वट वृक्षों के साथ बैठने की उसकी योग्यता थोड़ी कम हो जाएगी। उत्तर प्रदेश ने आपको उसे वधु के रूप में बहू के रूप में सौंपा, और आप सब तो ऐसे लोग हो जो अपने परिवार को बहुत प्रेम करते, ये अकेली जगह है जब परिवार में ही इतना प्रेम है। कांताबेन शांति भाई, कहीं जाने की जरूरत ही नहीं, गुजराती इतनी अच्छी भाषा है कि मैं तो सीखना चाहता था 20 साल पहले, जब पहली बार अहमदाबाद स्टेशन उतरा था रेलवे पे, बाहर निकल के एक पोस्टर देखा तो हाथ जोड़ लिया कि मुझे नहीं आ सकती, गड़बड़ हो सकती। फिल्म का पोस्टर लगा हुआ था मोटा घरानी बहू, नीचे लिखा हुआ था चालू छे। मैंने कहा अपन नहीं सीख सकते भाई, मेरे को नहीं आता है। तो इसलिए प्रेम की अपनी भाषा है, प्रेम का अपना काम है। कृष्ण के पांव में पड़े छाले, देखिए सुनिए और तालियां बजाइए कि कृष्ण के पांव में पड़े छाले, राधिका धूप में चली हो, इसे कहते हैं प्रेम, इसे कहते हैं प्यार। तो यहां श्वेता सिंह है जो मूलतः उत्तर भारत से है लेकिन बड़ौदा में रहती है, आपके पास में रहती है, इनको इतनी तालियों से सुनना कि इनके पतिदेव सो गए हो तो उनको पता चले कि जो रस रंग और आनंद उन्होंने छोड़ा और इन्होंने छोड़ा, उससे ज्यादा आनंद आनंद के लोगों ने इन्हें दिया। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए श्वेता सिंह, आइए। पहली बार माइक वाला आया है, मैं इसके सौंदर्य बोध को प्रणाम करता हूं। चेहरे पे मुस्कान देखिए, आज रात ये राजकीय सम्मान के साथ सोएगा, मतलब जो सुख हम कभी नहीं ले पाए वो तूने लिया बेटा, का पेमेंट काट लेना मनन। हेलो, हाँ जी। सर्वप्रथम माँ शारदे को प्रणाम कर रही हूँ, मंच पर उपस्थित सभी प्रबुद्ध जनों को प्रणाम कर रही हूँ, और आप सभी को विशेष प्रणाम कर रही हूँ, स्वीकार करें। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जमीन पर खड़े होकर के कविता पढ़ना जो सुखद अनुभूति देती है वह कहीं भी नहीं मिलता है। मेरे आनंद के लोगों, जिस आनंद से आप मोहब्बत सुनना चाहते हैं एक बार मोहब्बत की तालियां बजा करके मुझे सूचित कर दीजिए, बहुत बहुत आभार आप सभी का। 4 पंक्तियां सौंप रही हूँ, सुनिए। तुम्हें प्रस्ताव नैनों का अगर स्वीकार हो जाए, थोड़ा आह वाह करते रहिए तो मेरा हौसला बढ़ेगा। हाँ, नहीं ये गुजरात के लोग हैं, चिंता मत कर बेटा, ये कई चैनल तो पूरी रात बिना आवाज देखते हैं, बहुत अच्छे लोग हैं ये। चल पढ़। तुम्हें प्रस्ताव नैनों का अगर स्वीकार हो जाए, अंधेरे को
पंक्तियों पर आप इतनी तालियां दे रहे हैं तो चौथी पे क्या करेंगे? तुम्हें प्रस्ताव नैनों का अगर स्वीकार हो जाए, अंधेरे कोष्ठ में दिल के मेरे उजियार हो जाए, तुम्हारे ही कदम पर मैं चलूंगी साथ जीवन भर, हमारे प्रेम का दुश्मन भले संसार हो जाए। बहुत अच्छे। यकीन मानिए मुझे इतनी तालियों की उम्मीद नहीं थी, लेकिन आप मेरे आंचल में इतनी मोहब्बत डाल रहे हैं तो चार पंक्तियां और मैं सुनाती हूँ, सुनिए। बहुत अच्छे। इशारे ही इशारे हों, जुबां से कुछ बयाना हो, हम मोहब्बत भी करते हैं और छुपाते भी हैं। बहुत अच्छे, क्या बात है। इशारे ही इशारे हो, जुबां से कुछ बयाना हो, हमारी बात से वाकिफ जरा सा भी जहाना हो। बहुत अच्छे। सनम ने इश्क में ऐसी अजब सी शर्त रख दी है। चौथी पंक्तियां संभालिएगा। सनम ने इश्क में ऐसी अजब सी शर्त रख दी है कि दिल में आग तो सुलगे मगर कतई धुआं ना हो। बहुत अच्छा है, वाह बहुत अच्छे, क्या बात है, वाह वाह। के दिल में आग तो सुलगे मगर कतई धुआं ना हो, हो। और जब इतनी मोहब्बत आप दे ही रहे तो अनुमति दीजिए चार पंक्तियां और मैं सुनाऊं। अनुमति कैसे देते हैं बताइए। बहुत बढ़िया सुनाती रहिए, कितना मीठा सुना रही हैं आप। बहुत वो तो अभिराम पाठक ने तो इस बात पे ताली बजा दी कि दिल में आग हो पर दुआ ना हो, कि पता नहीं कांग्रेस पे तो नहीं पड़ रही है। सुनिए आपके मन की चार पंक्तियां मैं सुनाती हूँ। यहाँ जो जान देने के लिए तैयार होता है, इश्क की राह में चलने का वो हकदार होता है, यहाँ जो जान देने के लिए तैयार होता है, इश्क की राह में चलने का वो हकदार होता है। मोहब्बत एक समंदर है, ना कोशिश तैरने की करे, ना कोशिश तैरने की कर। मोहब्बत एक समंदर है, जो इसमें डूब जाता है वही उस पार होता है। जो इसमें डूब जाता है वही उस पार होता है। चार पंक्तियां और मैं सुनाती हूँ। हृदय जिसको समझता है कथा मैं उस अकथ की हूँ, हृदय जिसको समझता है कथा मैं उस अकथ की हूँ, सदा से गामिनी मैं ही तुम्हारे प्रेम पथ की हूँ, सदा से गामिनी मैं ही तुम्हारे प्रेम पथ की हूँ। अरे कौन ते पहचानो, सुभद्रा हूँ तुम्हारी मैं, अरे कौन ते पहचानो, सुभद्रा हूँ तुम्हारी मैं, युगों से सारथी मैं ही
व्यर्थ की हूँ, युगों से सार थी मैं ही तुम्हारे भाव रथ की हूँ। चार पंक्तियां और समर्पित करके फिर छोटा सा गीत मैं पढ़ूंगी, सुनिए। उदासी से भरे तन्हा हमारे दिन गुजरते हैं, वहीं फिर रात में आकर विरह के नाग डसते हैं। इनायत मानसूनों की इधर भी है उधर भी है, इनायत मानसूनों की इधर भी है उधर भी है, इधर आंखें बरसती है उधर बादल बरसते हैं। एक गीत के लिए मुझे अनुमति दीजिए। बहुत मीठा पढ़ रही हैं आप, बहुत मीठा पढ़ रही हैं। सुनिए, बहुत प्यारा सा गीत मैं सुनाती हूँ। स्वागत। कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपने मन के भाव सामने वाले को कहना चाहते हैं, अपने प्रेमी को बताना चाहते हैं, लेकिन संकोचवश नहीं बता पाते हैं। यही भूमिका है गीत की, सुनिए। जिसके देखे हंसी ख्वाब हम रात भर, बात दिल की उसी को बता ना सके, फूल लाए गुलाबों के जिसके लिए, फूल लाए गुलाबों के जिसके लिए, पास आया तो उसको थमा ना सके, पास आया तो उसको थमा ना सके, जिसके देखे हंसी ख्वाब हम रात भर। सोच कर मैं गई आज सब बोल दूं, राज दिल के सभी सामने खोल दूं, पास अपने बिठा सांस के सुर मिला, इश्क की खुशबूएं सांस में घोल दूं, लाज दीवार कर दी खड़ी मौन की, लाज दीवार कर दी खड़ी मौन की, लव वो दीवार मेरे गिरा ना सके, लव वो दीवार मेरे गिरा ना सके, जिसके देखे हंसी ख्वाब हम रात भर। और जिसके मैंने ख्वाब देखे वो कैसा था? न वो मजनू न राझा, न वो मजनू न राझा न फरहाद है, पर मेरी चाहतों का वो अनुवाद है। न वो मजनू न राझा, न वो मजनू न राझा न फरहाद, पर मेरी चाहतों का वो अनुवाद है। हसरतों ने जतन से बनाया जिसे, ख्वाब के उस महल की वो बुनियाद है, ख्वाब में खूब उसके गले हम मिले, ख्वाब में खूब उसके गले हम मिले, सामने हाथ तक हम मिला ना सके, सामने हाथ तक हम मिला ना सके, जिसके देखे हंसी ख्वाब हम रात भर। और गीत का अंतिम बंद मैं सुनाती हूँ। जिस्म मैं और वो अब दिलो जान है, इन लबों पर रखी एक मुस्कान है, काफिया उसकी मैं वो रदीप और बहर, वो ही एहसास है वो ही अर
बेटा है। जिंदगी उसको पाके गजल हो गई, जिंदगी उसको पाके गजल हो गई, साथ लेकिन कभी गुनगुना ना सके, साथ लेकिन कभी गुनगुना ना सके, जिसके देखे हंसी ख्वाब हम रात भर। बहुत बहुत आभार आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा, एक बार जोरदार तालियां इसके बजाइए। वाह बहुत अच्छे। मुझे लगता है कि एक दो देवर लेके आई थी तो खड़े हो जाते थे बीच। अब केवल दो ही कवि बचे हैं, एक शेष एक अवशेष, सुरेंद्र यादवेंद्र। पहले इनका नाम जब छापते थे तो लोग कहते थे कि दो आएंगे, शंकर जय किशन टाइप, लेकिन ये अकेले ही दो के बराबर है। 20 वर्षों का उन्हें अभ्यास है कवि सम्मेलनों का, बड़ा आनंद बरसने वाला है। मतलब अब आप ठाके ही ठाके लगाएंगे, बस थोड़ी देर के लिए खुद को खोल दीजिए। देखिए ये जो समय है ना, ये दोबारा नहीं आएगा। और सबसे बड़ी बात तो इस पर भी आपकी ताली बजेगी, आज का कार्यक्रम कवि क्या सुना रहा है, आप कितने रस से सुन रहे हैं तो अलग बात है। ये सोच के देखिए कि इन्हीं दिनों पिछले साल क्या हालत, सुबह सुबह मोबाइल उठाते में डरते थे कि पता नहीं कोई बुरा समाचार तो नहीं आया। ये भवानी की कृपा है, ये भगवान शंकर की कृपा है कि हम आपको सुनाने योग्य बचे और आप सुनने योग्य बचे। इसके लिए हम दोनों तैयार हैं। तो इसी कृपा कटाक्ष के साथ आप स्वागत कीजिए वीरभूमि राजस्थान से, चंबल के किनारे से, 12 से भाई सुरेंद्र यादवेंद्र आए हैं। आपकी तालियों में थोड़ी कमी हो गई है मैं देख रहा हूं, एक बार उन्हें बताइए कि आपकी तालियां उतनी है। जोरदार तालियां, इस बार तो लाज बचाने आए। समझ रहे हैं बेटे हम तेरी बात। माँ शारदे को, सम्मान्य मंच को, आप सभी सुधी श्रोताओं को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। वीर भूमि, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की धरती से, जिन्होंने देश की आधी धरती को मुगलों से मुक्त कराया, उस भूमि से ऐसी धरती को नमन करता हूं जिन बापू और पटेल ने अंग्रेजों से पूरे देश को मुक्त कराया। मैं प्रणाम करता हूं आप सबको, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप, बहुत मज़ा आ रहा है, आनंद में वाकई आनंद आ रहा है। अभी मेरे पहले श्वेता गीत गज़ल पढ़ रही थी, प्यार के मनोहार के। तो ये जो मोहल्ला है वार्ड नंबर 18, ये बड़े ऊंचे हाथ कर करके तालियां बजा रहा था। अब मेरा जब नंबर आया और मैं माइक पे आया तो ये मोहल्ला कुछ उदास हो गया है। क्यों उदास हुआ मुझे बैठे बैठे जो कारण नजर आया, मैं चार पंक्तियों में आप तक सौंपता हूं। मजा लेना, आनंद लेना। गुजराती और मारवाड़ी दो लोगों की एक विशेषता है, वो किसी का उधार बाकी नहीं रखते। अगर आनंद की उत्पत्ति आपके अंतर्मन में हो तो पीछे तक के श्रोताओं से रोकिएगा मत, तालियों में तब्दील करके मुझ तक पहुँचाना। मारवाड़ी होने के नाते आपसे प्रॉमिस करता हूँ, वादा करता हूँ, ब्याज सहित दुगना मजा दुगना आनंद आपको वापस लौटाऊंगा। स्वागत है, वाह क्या बात है। मुझे पता है ये तालियां ब्याज शब्द पर ही बजी हैं। बहुत अच्छा सुरेंद्र जी। सुनिएगा वार्ड नंबर 18, आप भी बजाना। कि आप किस लिए उदास हो गए, आप किस लिए उदास हो गए, होश और क्यों हवास खो गए, एक पारों ने गीत क्या पढ़ा, आप तो देवदास हो गए। अब भैया ये आवागमन थोड़ा सा बंद कर दो, वरना मैं ऐसी कविता सुना दूंगा जो मैंने आज दिन तक लिखी ही नहीं और कभी लिखूंगा भी नहीं। हाँ देखिए यहीं से कुछ बातें हैं।
माँ शारदे का एक वरदान मुझे मिला, प्रसाद के रूप में आप तक पहुंचाना चाहता हूं। लेकिन एक बात कहना चाहता हूं कि माँ शारदे की उसमें एक शर्त उन्होंने लगा दी कि पीछे तक का एक एक श्रोता अगर तालियां बजाते रहेंगे तो वो कविता यहीं बनती रहेगी, बढ़ती रहेगी, चलती रहेगी। अगर आपकी तालियां बंद हो गई तो वो कविता गिर जाएगी, बंद हो जाएगी, रुक जाएगी। यहीं से कुछ बातें उठाता हूं, आप तक पहुंचाता हूं। मजा लीजिए, आनंद लीजिए कि सरस्वती वंदना आज खुद डॉक्टर साहब ने की, कुमार विश्वास जी ने। मित्रों, एक बात कहना चाहता हूँ, आज के आयोजन की प्रमुख कड़ी जो है, जो आपको हंसने का, खिलखिलाने का, मुस्कुराने का अवसर प्रदान हुआ है और हम कवियों को कविताएं सुनाने का अवसर प्रदान हुआ है, उसकी मुख्य कड़ी डॉक्टर कुमार विश्वास हैं। और इन्होंने देश और विदेश में 100 इस तरह के कवि सम्मेलन करने का एक संकल्प, ये 150-200 तक भी आगे जाएगा, मुझे पूरा विश्वास है। उसके लिए ये बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। जोरदार तालियों से इस संकल्प का स्वागत कीजिएगा। आइए सर, लीजिए मैं बात शुरू करता हूँ। गुजराती लोग वाकई इंटेलिजेंट होते हैं, तो आयोजकों को बताना चाह रहा हूँ कि जहाँ भी पूरे देश में जाते हैं कवि लोग, कवि सम्मेलन होता है तो फूलों की मालाएं, बड़े बड़े हार पहनाते हैं। यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ। और ले ले के आनंद में परिवार नहीं, सरस्वती वंदना डॉक्टर साहब ने की थी तो पहले वहां से शुरू करता हूँ, सरस्वती वंदना से। जी भाई जी, के कुमार भाई ने माँ सरस्वती की करी अर्चना पूजा, अरे काव्यमयी हो गया यहाँ का वातावरण, समूचा आरती माता की उतारी रे, बजाओ तालियां, आरती माता की उतारी रे, बजाओ तालियां। आइए, दो मेहमान आए हैं, आइए विराज। इन दोनों को साथ देख कर ठनका मेरा माथा, अरे रामचंद्र के संग संग जो चले जानकी माता, दोनों हो गए ये वनवासी रे, बजाओ तालियां, दोनों हो गए ये वन। अच्छा के आनंद वालों ने परिवार नियोजन की अच्छी रीत निभाई, अरे नहीं पुरुषों को यहाँ पुरुषों ने वरमाला पहनाई, मिट गई बहुत बड़ी बीमारी रे, बजाओ तालियां, मिट गई बहुत थोड़ा सा पीछे वाले लोग अभी तालियां उनकी कमजोर आ रही हैं, हाँ। वो भी इसमें जुड़े हैं तो ये कविता आगे बढ़ेगी। हाँ, वो एक भाई साहब घूम रहे हैं, बहुत 4-5 चक्कर लगा लिए उन्होंने, उनसे कहना चाहता हूँ कि बैठ जाओ जी आर्य पुत्र बे मतलब घूम रहे हो, बैठ जाओ जी आर्य पुत्र बे मतलब घूम रहे हो, अरे आज नहीं आई है वो तुम जिसको ढूंढ रहे हो, दिल की है इनको बीमारी। जिंदाबाद सुरेंद्र जी, क्या बात है। दिल की, ये भाई सब जा रहे हैं। हाँ, नहीं नहीं जाने दीजिए, हाँ आप भी आइए सर, हाँ आप तो विराजो। आइए श्रीमान कृपया स्थान ग्रहण कर बैठे, सही समय पर आप आए हम शुरू शीघ्र कर बैठे, हमसे भूल हो गई भारी जी, बजाओ तालियां, हमसे भूल हो गई। के सही समय पर आप पधारे होते अग्रज भ्राता, मुख्य अतिथि कौन आज का पता कहाँ चल पाता, इनकी देरी कलाकारी पे बजाओ। बहुत अच्छे। सुनिए सर, कैमरा वाले बहुत परेशान कर रहा भाई जी। सबसे पहले आए दिनेश बावरा, आपने ध्यान से सुना इनको कि दिनेश बावरा ने सब श्रोताओं का दिल है लूटा। कलेक्टर साहब आपकी तरफ से जवाब दे रहा हूं, भाई बावरा ने सब श्रोताओं के दिल को लूटा, क्योंकि इनके पापा जी ने इनको जमकर कूटा। अच्छा है, अच्छा है,
अभियान अभी है जारी रे बजाओ तालियां, अभियान अभी भी जारी रे बजाओ तालियां। वीर रस के कवि भाई अभिराम पाठक, अब वीर रस के कवि तो वीर रस के होते हैं साहब। अभिराम भाई ने खूब घुमाया आकर यहाँ लंगोट। वीर रस के कवि लंगोट ही घुमाते। अभिराम भाई ने खूब घुमाया आकर यहाँ लंगोट, अपने शब्द शिल्प से कर गए कविता का विस्फोट, शब्दों की कर गए बम्बारी रे बजाओ तालियां। पीछे एक दो लोग जा रहे हैं, नहीं मैं बुरा नहीं मानता, देखो कोई रासायनिक प्रक्रिया हो सकती है, कोई प्राकृतिक पीड़ा हो सकती है, जाते जाते मेरी आवाज आप तक पहुंच जाएगी, बस दो पंक्तियां लेते जाओ कि कहां चले, अभी तो कुमार डॉक्टर साहब को पढ़ना है कि कहां चले श्रीमान छोड़कर पकी पकाई खीर, अरे इतनी जल्दी घर पर जाकर क्या मारेंगे तीर, पत्नी के हैं परम पुजारी तीर का जवाब नहीं। अच्छा कई लोग साहब जाना नहीं चाहते लेकिन मजबूरियां ऐसी हो जाती है कि जाना पड़ता है, अब कई लोग गए उनके ये कोई थोड़ी क्या हुआ, वो जा रहे हैं बोले दो और दिखा। अच्छा दो, ये तो बहुत युवा जोड़ा है, इसे कहते हैं बाल विवाह। अच्छा मैं बहुत देर से देख रहा हूं यहाँ पुरुषों पुरुषों का जोड़ा आता है और पुरुषों पुरुषों का जोड़ा जाता है, हालांकि अब तो कानून ने भी मान्यता दे दी कि रीति रिवाज आनंद के भैया नहीं समझ में आते, अरे यहाँ पुरुष भी पुरुषों के संग जोड़े से ही जाते, इनकी रहे सलामत यारी रे बजाओ तालियां, इनकी रहे अच्छा साहब हाँ, अभिराम के बाद माइक पर आए कवि मुस्कान, अभिराम के बाद मंच पर आए कवि मुस्कान, अरे युवक युवतियों को दे गए ये फोकट का ही ज्ञान, जबकि देसी अटल बिहारी रे खुद है देसी अटल। हाँ बैठ जाओ भाई, नहीं जा रहे हैं तो कोई बात नहीं, मैं नहीं रोकूं, कोई बात देखो मैं नहीं रोकता, हो सकता है इनके साथ जो आए वो चले गए हों, कि घर को जाते हैं जो श्रोता नहीं है बिल्कुल दोषी, अरे दोषी तो वे हैं जो पहले चले गए पड़ोसी, इनकी तो मजबूरी भारी रे बजाओ तालियां इनके। मुस्कान भाई के बाद तो अब मैं शिकायत की दो पंक्तियां डॉक्टर कुमार विश्वास जी को देना चाहता हूं, लेकिन उस शिकायत में अगर आपको मजा आया आनंद आए तो थोड़ी सी तालियां और उठाना, मजे की पंक्तियां आनंद की पंक्तियां। स्वागत है भाई जी। कुमार भाई ने भी भाई मुझसे बदला खूब निकाला, हाँ कुमार भाई ने भी भाई मुझसे बदला खूब निकाला, अरे मारुति के पीछे इंजन सड़क कूटने वाला, इनके बाद हमारी बारी रे अच्छा है बहुत अच्छे। अच्छा मेरा कॉन्फिडेंस जगमगा रहा था। हाँ साहब कोई भी कवित्री अब उसका गला जो है वो कोकिल कंठी होती है, मिश्री जैसा गला होता है, उसके बाद अगर कोई भी कवि आता है तो उसका कॉन्फिडेंस डगमगाता है। क्यों डगमगा रहा था, अगर पहली पंक्ति आपको आनंद दे दे उठा लेंगे तो दूसरी पंक्ति भी उसी उत्साह से सुना दूंगा, पकड़ना बात को। क्यों मेरा कॉन्फिडेंस डगमगा रहा था श्वेता के बाद कविता पढ़ने में, कि रसगुल्ले के बाद बताओ प्याज कौन खाए। अच्छा है अच्छा है, रसमलाई बोल दो। रसमलाई के बाद, रसमलाई के बाद बताओ प्याज कौन खाएगा,
अच्छा ये भी सुझाव रसगुल्ले नहीं दिया है। जिंदाबाद। एक बार जोरदार तालियां। रसमलाई के बाद बताओ प्याज कौन खाएगा, अरे इनको सुनकर मुझे सुनोगे मजा कहाँ आएगा, ये तो कर गए चोट करारी रे बजाओ तालियां, ये तो कर गए चोट कर। ओ भैया वीडियो वाले यार मेहनत में कर रहा हूँ, फोटो उधर खींच रहे, ये तो अन्याय है यार। अब दो पंक्तियां तुम भी सुनो और ताली बजाना, तुम भी ताली बजाना। खेल कि तुमसे नहीं पूरे पूरा सदन अगर मजा आए आनंद आए तो उसकी एहसास दोनों हाथ उठा करके करें, कि तुमसे नहीं शिकायत कोई प्रेम से रील उतारो, तुमसे नहीं शिकायत कोई प्रेम से रील उतारो, पर होकर मरद मरद के ऊपर एक आंख मत मारो चक्कर। जिंदाबाद। मित्रों एक जिम्मेदार मंच से पूरी ईमानदारी से कह रहा हूँ, डॉक्टर साहब जानते हैं कि ये कविता नहीं थी। नहीं मैं पूरी ईमानदारी से कह रहा हूँ ये कविता नहीं थी। ऐसा तो मैं जहाँ हमारी तरफ भी एक एक डेढ़ डेढ़ लाख श्रोताओं की भीड़ होती है, मुंबई की जनता की पुकार में होती है, साहित्य कला मंच पर होती है, एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे तक यही करता रहता हूँ। लेकिन आज हमें डॉक्टर कुमार विश्वास जी को सुनना है, जिनके लिए आप लोग बड़ौदा जाने कहाँ कहाँ से आए हैं। पर आज लग बहुत अच्छा रहा है, जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि आपके बिना मास्क के हंसते खिलखिलाते चेहरों को देख करके बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। डॉक्टर साहब बीच में इन दो सालों के बीच बीच में छुटपुट थोड़ी थोड़ी सी छूट मिली, उसमें हुए कवि सम्मेलन 100-150 लोगों के हॉल में, पर हमें ऐसा लगता था जैसे भगवान रामचंद्र जी की सेना के सामने कविता पाठ कर रहे हैं। कोई अंगद जी नजर आते थे मास्क लगाकर, कोई नल, कोई नील, कोई हनुमान जी साक्षात, एक तो वो काला वाला वो चोंच वाला मास्क वो लगा के बैठ गया। मैंने कहा जामवंत जी की कमी थी। यह हालत हो गई थी, कोरोना में सब कुछ उल्टा पलटा हो गया सब, बहुत हालत खराब हुई। हंसी तो भूल ही गए थे लोग, लेकिन इस कार्यक्रमों के माध्यम से हंसी का जो एक त्योहार एक उत्सव शुरू किया है ये वाकई इसकी बहुत ज़रूरत है। और ये बीड़ा उठाया डॉक्टर कुमार विश्वास ने, मैं पुनः चाहूँगा कि एक बार एक एक श्रोता इनके सम्मान में तालियाँ बजा करके और इस अभियान को आकाशीय ऊंचाइयों तक पहुंचाए। ये यज्ञ है साहब। एक एस्ट्रोलॉजी का छोटा सा व्यंग आपको सुनाता हूं, परिवार के साथ आप लोग बैठे हैं, हालांकि इस कोरोना काल में मेरा एस्ट्रोलॉजी से विश्वास उठ गया, फिर भी एक व्यंग से बात शुरू करता हूं कि शारीरिक मानसिक आर्थिक परेशानियों से हैरान परेशान हम दोनों पति पत्नी एक पंडित जी के पास गए कि श्रीमान है कोई इन समस्याओं का समाधान। पंडित जी बोले रे नादान, सूर्य अस्त है, मंगल अमंगलकारी है, बुद्ध की महादशा में गुरु का अंतर है, शुक्र नीच का है, शनि का ढैया है, इसलिए रुक रहा गृहस्थी की गाड़ी का पहिया है, राहु और केतु की वक्र दृष्टि है, इसलिए इन सारी समस्याओं की सृष्टि है, इन सब समस्याओं के समाधान का एकमात्र उपाय है 1.25 महीने तक रोज नियमित रूप से महामृत्युंजय जप के जाप करवाओ, रोज सुबह सुबह 2 बेसन के लड्डू सफेद गाय को और 2 देसी घी में चुपड़ी हुई रोटी काले कुत्ते को खिलाओ, 4th-5th दिन झल्लाती हुई दांत किटकिटाती हुई बड़बड़ाती हुई मेरी धर्म पत्नी मेरे पास आई और बोली कि पूरे मोहल्ले के 4 चक्कर लगाए आई, न तो कुत्ता मिला और न गाय, घर गृहस्थी की कुछ तो जिम्मेदारियां आप भी संभालो, लड्डू मैंने खा लिए। भाई वाह वाह क्या बात, वाह वाह क्या श्रोता हैं।
पूरे देश में घूमते हैं, लेकिन जो बात कहने के पहले बिना कहे ही समझ जाए ऐसे श्रोता नहीं देखे। मैं मंच से चाहूंगा मेरे कवि मित्रों से अनुरोध से कि इन श्रोताओं के लिए तालियां बजाएं, आप बजाएं। घर गृहस्थी की कुछ तो जिम्मेदारियां आप भी संभालो, लड्डू मैंने खा लिए, रोटियां आप खा लो, लड्डू मैंने खा लिए। पर मेरा विश्वास उठ गया साहब एस्ट्रोलॉजी से। आप याद कीजिए वो फर्स्ट लॉकडाउन, मतलब घर से बाहर निकलना तो दूर, कमरे से बाहर नहीं निकल रहा आदमी, और पति पत्नी भी एक दूसरे कमरे में साथ नहीं। अब आदमी उन दिनों आप और हम सब कर क्या रहे थे, दो ही काम थे हमारे पास, खाना तो ऐसे पटकते थे यूं जैसे थाली सरका के, काम दो ही थे, या तो टीवी देख रहे होते या नेट देख रहे होते। अब एक दिन मैं टीवी देख रहा, एक वो ज्योतिषी जी आ रहे एक चैनल पे, और संयोग से मेरी राशि बता रहे। अच्छा, तो मैंने रोक लिया, मैंने कहा देखें। अब वो ज्योतिषी जी कह रहे आज आपकी राशि का 8 ग्रह एक ही घर में आ गए। मैंने कहा यहां तो कमरे में एक दूसरे दो दो नहीं रह पा रहे, अब 8 कैसे रहेंगे कोरोना में एक घर में। और आपका भाग्य उदय होगा, और शाम को ठीक 5:30 बजे आप बहुत ऊंचाई पर जाएंगे। अब मेरे तो टेंशन, मैंने कहा बसें बंद, ट्रेनें बंद, फ्लाइट बंद, खुद की गाड़ी नहीं निकाल सकते, कार की तो छोड़ो मोटरसाइकिल, अरे मोटरसाइकिल भी छोड़ो खुद ही नहीं निकल सकते, अब कैसे ऊंचाई पर जाएंगे और कहाँ जाएंगे। मेरे तो बहुत टेंशन, खाना भी नहीं खाया गया। उधर खिड़की में से रोड पे देखा तो दो ही गाड़ियां घूम रही बस, एक तो पुलिस की और एक वो लाल बत्ती की एम्बुलेंस की। अब उनको देख के और ज्यादा टेंशन, अरे मैंने कहा ये तो बहुत ऊंचाई पे ले जाएंगी। और ये तो ले ही जाती है, वापस थोड़ी लाती है। बहुत ज्यादा टेंशन। एक और बात हुई साहब, कोरोना के उस फर्स्ट लॉकडाउन में सेकंड लॉकडाउन में पूरा हिंदुस्तान हलवाई हो गया, पूरा हिंदुस्तान हलवाई। बेटा देखो तो वो अलग रेसिपी बना रहा यूट्यूब में देख के, बेटी देखो तो वो अलग बना रही, मम्मी अलग बना रही, पापा अलग बना रहे, मुझ जैसे को बनाना नहीं आता तो हम बर्तन ही मांज रहे, कर तो रहे थे कुछ न कुछ, सहयोग ही कर रहे थे। अब साहब आए दिन लाओ मैदा, लाओ बेसन, लाओ सूजी, ऐसा लग रहा था जैसे देश से कोरोना को नहीं सूजी और मैदा को ही खत्म करना है। आए दिन, अब एक दिन तो अड़ी गई, बोले पकोड़े बनाने 8 दिन हो गए, लाओ बेसन, अब कर्फ्यू लग रहा बाहर। मैंने एक किराने वाले दोस्त को फोन किया, मैंने कहा यार बैकडोर से दे दे, तो उसने कहा कि यार ठीक है चल आ जा मैं दुकान खोलता हूँ। मैं गया गलियों में होके चोरी छिपे, उसने पीछे का शटर खोला आधा और बेसन तोल ही रहा था, उतने में पुलिस की गाड़ी आ गई। घर पे गया तो बोले लाए बेसन, मैंने कहा बेसन तो नहीं लाया सूजी लाया हूं। दोनों हाथ उठा के तालियां एक बार, वाह। मजा दिया है आज। 8 दिन बाद ही फिर लाओ बेसन, लाओ मैदा, लाओ सूजी, फिर परेशान। फिर मैंने उसको फोन किया, मैंने कहा यार सूजी पड़ी है क्या? वो बोला जिस दिन तू बेसन ले गया था ना उसी दिन से सूजी पड़ी है। नई रेसिपियां। अच्छा ये फर्स्ट लॉकडाउन तक तो सबने 5-5 रेसिपियां मिठाइयां सब खाई होगी, सेकंड लॉकडाउन में कुछ, तीसरे लॉकडाउन में तो यूट्यूब में रेसिपियां ही खत्म होगी, और वही मूंग की दाल और रोटी। अब कहां तो वो मालताल खा रहे थे, तो मैंने पत्नी से कहा एक छंद सुनिए मजा लीजिए, कि मैंने कहा
मैंने कहा जाने जाना मरीजों जैसा है खाना, मेरी ये दलील तकरीर लगने लगी। मैंने कहा जाने जाना मरीजों जैसा है खाना, मेरी ये दलील तकरीर लगने लगी। घूर कर देखा श्रीमती जी ने हमको तो रायते की कटोरी भी खीर लगने लगी। घूर कर देखा श्रीमती जी ने हमको तो रायते की कटोरी भी खीर लगने लगी। जो भी बने जैसा बने चुपचाप खा लो भाई, बात बड़े बूढ़ों की नजीर लगने लगी। ओ बेलन को धार कर निकली किचन से तो तरकारी लौकी की पनीर लगने लगी। तरकारी लौकी की एक और राग हुआ साहब, वो फर्स्ट लॉकडाउन में ही तीन तीन ग्रहण पड़े, दो बार चंद्र ग्रहण एक सूर्य ग्रहण, और वो पंडित जी फिर डरा रहे ग्रहण में बाहर नहीं निकलना और छत पे नहीं जाना। अरे जा कौन रहा है उधर? वो पंडित जी उनका चल ही रहा था कि 5:30 बजे वो भाग्य उदय होगा। मैंने तो खाना ही नहीं खाया, घड़ी में देखूं 3:30, 4:30, 4:45, 5:00, 5:00, ठीक 5:30 बजे पंडित जी की बात सही निकली। दनदनाती हुई गुस्से में लाल होके और धर्मपत्नी मेरे कमरे में आई और डॉक्टर कुमार विश्वास की पूर्व पार्टी का चुनाव चिन्ह मेरे हाथ में पकड़ा के बोली, फालतू बैठे हो, छत पे जाकर के झाड़ू निकाल के आओ। और मैंने कहा आगे ऊपर, इतनी ऊंचाई पे तो जिंदगी में ही नहीं आए कभी। ऐसी ऐसी घटनाएं हुई तो वो ग्रहण भी पड़े उस पंडितों ने फिर डराया। अच्छा आप ग्रहण दो ही जानते होंगे जबकि ग्रहण चार होते हैं, मैं चारों ग्रहण बता रहा हूं, मजा लीजिए। कि सूरज पे पड़ता है ग्रहण तो कुछ देर, दिन में ही घोरे अंधियारा बढ़ जाता है। चांद पर पड़ती है ग्रहण की छाया, जब चमकीला चांद तक काला पड़ जाता है।